लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या घटना से समानता केवल आकस्मिक है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय, संस्था, संगठन या धर्म का अपमान करना नहीं है। चेक करना भाई, जिसके पास टिकट निकालो भाई, चलो जल्दी करो। हेलो, टिकट निकालो, अपनी अपनी आईडी निकालो, सब लोग अपनी अपनी, चलो जल्दी। अरे इस कहानी के तो बहुत चर्चे हुए ठहरे, मेरे मामा हुए नई टीरी के। अखबारों में तो हल्द्वानी के भी आया हुआ, पर पूरी बात नहीं पता। अरे कहाँ रख दिया, ए, मिल गया। गोलियां उल्टी आ रही है, स्वादिष्ट गोलियां बाल। अबे मेरी भी सुन ले। हाँ बोलो। दियो भैया 2 रुपए की, सड़कों के साथ पेड़ भी घूम रखा बल। लो, जाता हूँ सर, जाता हूँ। टिकट 2 रुपीस मैडम, मैडम 2 रुपीस, टिकट टिकट मैडम। देवप्रयाग जाना ठहरा तो पौड़ी तक का टिकट क्यों लिया बल? भूल से ले लिया ठहरा दद्दा, महंगा पड़ गया बल। 27 रुपए बचने वाले हुए, दाल भात जुड़ जाने वाले ठहरे उत्ते में, समझे? मुँह छुपाने जैसा क्या किया ठहरा, नीचे का। अरे क्या कह रहे हैं साहब, सर्दी कान से ही तो पीठ तक घुसती। आई कार्ड विकास बहुगुणा, और तू कल्याण रतुड़ी हुआ सर जी। आज तो और ही चेकिंग हो रही, प्रधानमंत्री जी के आने का हुआ ना, तेरे ईजा बब्बा आ रहा है। ले ईजा बब्बा, चलो भाई पढ़ा ले। विकास और कल्याण साथ जा रहे हैं पर शेबो शेब पता नहीं कहाँ जाने को हुई है बस। ये तो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध किस्सा ठहरा, तुमने ना सुना बल? ऐसा भी क्या किस्सा हुआ ठहरा न्यू टिहरी के धोरे, थोड़ा प्रकाश डालो विकास बाबू। अरे प्रकाश की तो भी डहरी बत्ती गुल। एसके, ओ एसके, धड़ाधड़ नीचे आ, सारा मोहल्ला वेट कर रहा, अंधेरे में कितना सजने वाला ठहरा लाटे। अरे रुक तो जा नौटी,
तेरी वजह से पजामे में मारगाट पड़ गई ठहरी। कैची भी कहाँ मर गई बल। अरे ठहर, ऊपर आई तेरी मारगाट खोलने। अंधेरे में कुछ और ही कट जाने वाला, ठहरा कैची से। हाँ, मुझे बख्श दे नोटी त्रिपाठी का खोरा का। क्या बवाल मचा रखा तूने? देख तो बल, पजामे में ही घुसा ठहरा। मैंने सला होता ना इलास्टिक वाला तो ना पड़ती मारगांठ। टाइम निकला जा रहा। अब जो भी है पहन तो लेने दे, निशाना बल नाले में ना घुस जाए इसका। अबे आओ त्रिपाठी, आज तक चूका बल कभी निशाना। ये ले। अबे जा रहे हम, आ जाए टाइम से। चल और ये बच्चों के टायर लुढ़काने के साथ ही आरंभ होती है हमारी अनोखी ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिता अमावस में तीरंदाजी। बजाओ रे तालियां। इस बार नई टहरी के 5 मोहल्ले भाग ले रहे। जीतने वाले मोहल्ले को क्या मिलने वाला ठहरा? कम्युनिटी हॉल के 6 महीने के जनरेटर का खर्चा बल। और जो भरा जाएगा हारने वाले मोहल्लों के द्वारा। जैसे ही ये जलता हुआ टायर लक्ष्य को पार करेगा, निशाना लगाने के लिए बजाई जाएगी सिट्टी। तो फिर सूरवीर चलाओ अंधेरे में तीर और बदलो अपने मोहल्ले की तकदीर। अब क्या समगरा मोहल्ला खाएगा आज की दावत? लो आ गया निशानेबाज बच्चू रावत। जी कर रहा, चप्पलों से पीटा। 2 साल का चैंपियन ठहरा तो इतनी माना मुनी कर रहा, अब तक ना आया लाटा। एक काम कर, तू ही उठा ले तीर कमान। देख कोई वजह ठहरी ना कि अनिल कुंबले कभी ओपनिंग बैट्समैन बन के ना उतरा। अब सारे तीरंदाजों का अंत, क्योंकि आ रहा है पूरब टोले का सुशील कुमार पंत। एसके 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 ओले या कुरमुर वाली ओ मां ने जेब में डाली ओ मां फिर प्यार से बोली बेटा जीत गया ना ओ बेटा ट्रॉफी लाना। ओले या कुरमुर वाली ओ मां ने जेब में डाली ओ मां फिर प्यार से बोली ओ बेटा जीत गया ना ओ बेटा ट्रॉफी लाना। जनरेटर का खर्चा हो गया फ्री फ्री फ्री। ये कैसा खेल हुआ, अंधेरे में तीर बल? क्यों दादा, शादी के बाद नहीं चलाते अंधेरे में तीर बल? तो ये कहानी ठहरी यूके ललिता नोटियाल, सुशील कुमार पंत और सुंदर मोहन त्रिपाठी की। या तो जल जा या बुझ जा बल। ये बन बुझ क्या लगा रखी? ए नॉटी ब्यूटी, ब्योड़ाई तू क्या हमको लाटा समझती है क्या? हाँ तो।
क्या बंदबुज बंदबुज जलबुज जलबुज होता बल। अरे जो भी। ए त्रिपाठी कौन है? अब तो तू कुछ भी बोल सकने वाला हुआ बल। अबे फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस जो मिल गया तुझे कहा बल, तो क्या रखेगा फैक्ट्री का नाम? सुंदर मोहन त्रिपाठी SMT प्रिंट्स। अरे कपड़े की दुकान ना ठहरी दर्जी, प्रिंटिंग प्रेस ठहरी। दर्जी भी तेरी अम्मा बल, डिजाइनर ठहरी मैं। फैक्ट्री के उद्घाटन पे मैं ही सबके कपड़े डिजाइन करने वाली हुई। वाह नहीं सत्यानाश। नहीं 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 अरे नहीं पूरा पूरा सुन। देख तेरे देसी डिजाइन हमने देखे, अब तू विदेशी बनाई हो क्योंकि मेरी फैक्ट्री का नाम ठहरा UK प्रिंट्स। वाह UK प्रिंट्स। वाह UK प्रिंट्स। अबे UK तो उत्तराखंड ही ठहरा, कौन सा लंदन के ढोरे खुल रहे तेरी फैक्ट्री बल। और जो UK लंदन में होता तो तेरे बब्बा की बात व्हाट्सएप से आगे बढ़ गई होती बल, लड़की मिल गई होती अब तक। कल का अखबार संभाल के रखा ठहरा, क्या एड निकाला अंकल ने शादी का। सब मिलके ढूंढेंगे ने मम्मी SK के लिए। और फिर छोटा नन्ना मुन्ना SK आएगा, हमारे आंगन में घूमेगा। अरे ले 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 आंगन खिल का हमारा। अरे हट, बच्चे करे इंतजार ही और बुढ़ाओ करे तैयारी बल। मुझे तो कोई इंतजार ना ठहरा सुंदर और सुशील लड़के का। मेरे पास तो ये सुंदर भी ठहरा और सुशील भी। नॉटी तेरी नत किसने उतार दी बल? अभी कहाँ? हाँ उतर गई। अरे वो तो डायमंड की ठहरी। अबे हाँ अबे डायमंड की ठहरी। बे डायमंड की ठहरी। अरे साले बंदबुज यार, टाइमिंग गलत ही ठहरा तेरा। अब करम जला। करम जला नहीं रे, कम जला। वाह कम जला कम जला, करम जला। क्या बात फुल ट्री क्या ढूंढ ले इसके। शाबाश SK छोड़ दे, अब ना मिल सकने वाला हुआ। अरे अब तो बिल्कुल ना छोड़ सकने वाला हुआ। अबे मिल गया मिल गया मिल गया। शाबाश। मैं भी आ रहा हूँ। I'm coming। आजा कमीने। चलना भाई। चलो लाटो आजा। क्या हुआ? निकाल अपना हाथी, डर लगता है उस पे। आजा। चल हाथी मेरे साथी। वकील साहब चला लोगे ना? अरे बेवड़े सीधे चल दे। और वकील, और किसको चूना लगाने वाला ठहरा तू? जो हजारों को चूना लगाने वाला ठहरा, मैं उसको हजारों का चूना लगाने वाला ठहरा बल। हाँ बल, साले वकीलों के हर्षद मेहता, तू कब सुधरने वाला हुआ साले? ना बिरला की औलाद, मेरे साथ तो तू ही बिगड़ने वाला ठहरा बल। अबे सीधे चला बे, पीछे नोटी बैठे। अबे नोटी टेढ़ी है। हाँ बेटा तू ही सीधा। It was really nice meeting you. Bye. Have a nice trip. Bye. Bye. This is from India with love. Incense sticks. We call agarbatti. For mood and pregnant. We had a lovely stay and thanks for these. Thank you. Thank you. Thank you. For mood and pregnant. Free ki agarbatti to hamari dharamsala mein hi milne wali hui ga. Bachpan mein dharamsala kahi to dharamsala banai thari. Car ka showroom kehte to wo bhi bana dete ka. एक पिता ने अपने बेटे के बचपन का सपना कुचला, फिर धर्मशाला चल निकली तो सबसे ज्यादा वही उछला। आजकल उसे गोरियों के हाथों नोट गिनते देखा गया है। कुछ सुना सुनाया ना लग रहा बब्बा। एक लापरवाह बेटे ने अपने अकेले पिता के सपने का उड़ाया मजाक। पिता की दूसरी शादी से किया ऐतराज। बेटा शादी लायक पर बाप चला घोड़ी चढ़ने। सुनो तुम, अब अकेलेपन का कोई और इलाज ठहरा? अरे पर शादी के लिए अखबार में ऐड डालने की क्या भांजी पड़ गई आपको? ढूंढ लेते ना कोई आस पड़ोस में साइलेंटली चुपचाप। अरे आस पड़ोस में तो सभी शादीशुदा हुए रखे ना। शादीशुदा हुए रखे। और मैं भी कोई कमसिन जवान थोड़ी ठहरा। अब कमसिन उम्र की गलतियां? आपकी गलतियों की बात ना कर रहा, ऐड है पेपर में, काम की बात है, आता हूँ। काम की बात है।
ओ घुगुती, तौलिया घुल सकने वाला ठहरा तेरा बल। नहीं भैया, पकड़ रखा है बल। अब सुन जी भैया, दैनिक जागरण पन्ना नंबर 9, कम से उम्र की गलतियों से अगर कोई सेक्स समस्या आ गई हो तो 15 दिन में हमारी दवा से फर्क देखें। वाह, प्राचीन साधु आयुर्वेद 2287 कौड़िया चौक घंटा घर के सामने ऋषिकेश। निकाल इनके चिट्ठे उपरेती। जी भैया, आज ही निकाल रहा। और वो छुट्टी वाले मुर्गे वापस आए ठहरे तीरथ से? हाँ आ गए भैया, चढ़ा दो कुकर पे। अरे कितनी बार समझाया, ठहरा तू अंकल की उम्र का, मेरे मैं कहाँ से तेरा भैया बल। रख, मजा ना आए तो पैसे वापस। धंधे में ऐसा भी हो सकने वाला ठहरा बल। दीन दयाल जुयल, वाह किस दिन के ठहरे जुयल दद्दा। ये चार लोग गए थे आपकी चार धाम यात्रा पर, अब मजा ना आ सकने वाला ठहरा तो चार लोग बात करेंगे। बात की और वो भी मुझसे। और आप मुख्यमंत्री? मेरा इंट्रो। पहले तो एक बात बताइए बघेल साहब, चार धाम की यात्रा मजा करने क्यों चले? वो तो भक्ति और शक्ति की जगह ठहरी ना। तो एक बात बताइए फ्रोडिया साहब, आपने यहाँ मजा क्यों लिखा ठहरा? चार धाम की जगह कुछ और ही कराने वाले हुए आप, आपका हिसाब कुछ उल्टा ठहरा। ये दांत खोदनी कान में घुसेट रखेंगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे बल, और अगर कान के पर्दे फट गए तो आपको इशारों में समझाना पड़ेगा कि छुट्टी का खर्चा, खाना पीना और समय का दुरुपयोग सब मिला के 1.5 लाख का केस ठोक रहे हैं आप पे बल। तबल 1.5 लाख? कैसी बात करते तुम भी यार। अरे ये लाइन मैंने एडवर्टाइज के लिए लिखवाई ठहरी है? अरे क्या भीड़ लगा रखी यार, ये धंधे पानी करते हैं। चलो 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 यहाँ से भाई। हाँ भाई, चलो चलो चलो, बस इतना बता दीजिए नेक्स्ट कहाँ मिलना है। वो डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले 20 लाख का मुआवजा देते ठहरे, स्टेट वाले 50, और नेशनल में करोड़ तक तो बात पहुंची जाती होगी ना। फिर और भी जगह काम आने वाली ठहरी आपकी ये दांत खोदनी दद्दा, महीने भर तो चबाई लेते होगे। तबल कैश कहाँ रखते ठहरे पंत जी आप? कॉल अस एनी टाइम, थैंक यू, आर अवेलेबल। थैंक यू। नमस्ते। बिजनेस बोल बेटा। साले कमीने, छाप लिए नए नोट? मेहनत की कमाई है बेटा, फोन रख। साले मेहनत। दीदी मैं क्या कह रही हूँ, आज ही नाप ले लो, मैं कल ना आ सकने वाली हुई। तू एक काम कर नोटी, तू ना 2-4 जूनियर डिजाइनर रख ले, तेरा मन भी भरा रहेगा बल। घूम जा तू, नहीं ऐसे तू घूम जा। नजरे यही गड़ाई ठहरी, दोस्ती में सभी हो सकने वाला ठहरा बल। एक बार लैक्मे फैशन वीक पहुंच गई ना ललिता नौटियाल कहां, तो ना मनीष मल्होत्रा टिकने वाला हुआ ना रोहित बल। बल नहीं रे, रोहित बाल, नाम तो ठीक से बोल ले बल। हाँ बाल की खाल। लो भैया गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ, मुंह जल गया? अरे पूरी शक्कर की बोरी उड़ेली चाय में सुकेश। लेकर आ बेटा। ठीक है भैया। हाथ ऊपर। यहाँ की फिटिंग जरा टाइट रखना दी, डीले डीले में मजा नहीं आता। और शोल्डर ना नंगे रखना, डिजाइन बुक जैसे। ओहो, डिमांड तो देख। घूम जा। और तू क्यों घुमा बल? अरे तेरे लिए लाया था कुछ, बाकी का नाप कल ले लियो ना, कौन सा एक दिन में कम ज्यादा हो जाने वाली हुई मैडम। नहीं मैडम। अब ठीक, एक हफ्ते बाद दिखना बस। हाँ मुझे। नई कमाई आई तो हमेशा की तरह तेरे ले आया बल। ये तो बिल्कुल तेरे चूने जैसा ठहरा, बोरिंग। अरे तू भी तो क्रियाकर्म करने वाली ठहरी, इसका आप दिल खोल के कर। देखियो कैसा चटकारा बनाती हूँ इसका। लो आई ठहरी लल्ली।
मेरा जरा जल्दी से पानी चढ़ा दो ना गर्म करने को। पत्ती गुल ठहरी और पेडिक्योर का मुहूर्त निकला जाने वाला हुआ। अरे ओ मेरी ब्यूटी क्वीन, बूबू को गए 10 साल हुए बल, पर इनके ट्रिप टॉप में कमी ना आने वाली हुई। हां तो तू बैठ लल्ली, अभी आई धक्के। मैं चढ़ा रही गरम पानी आमा और चाय भी बना दे रही तेरे लिए। थैंक्स सीजा। चाय मिल रही है तो कुमाऊनी निकल रही है लपट लपट, वरना तो थैंक्स मम्मी कहाँ होता। अरे कुछ और ही हिंदी हो रही है बच्चों की आजकल, न छोटी ई का ज्ञान न बड़े ऊ का। अरे कुछ ने तो अंग्रेजी में हिंदी लिखी ठहरी, चित्र को क्लिक और सही को टिक। ये कोई फैक्ट्री खोल सकने वाला हुआ सुंदर? जगह तो अच्छी घिरी ठहरी इसलिए कोई मैं कहा। सरल ठहरा सुंदर। कुछ ज्यादा ही सरल ठहरा। बिल्कुल बब्बा की तरह बल, जो सोच ले एक बार वो क्या नहीं कर सकने वाला हुआ। अम्मा कुछ भी हो, सीधे लाटो की तो बस की बात नहीं, पंत वकील जैसा चतुर चलाने वाला हुआ बिजनेस। एसके से तो कुछ भी करा लो, चलता पुर्जा ठहरा। जो भी हो, तेरे मन में उसके लिए बड़े बतासे ठहरे। हाँ, बड़े बतासे गिन रही सबके बल। लो नर्वस हुए ठहरे या सिगरेट जला ली? बेटे पे भरोसा पट नहीं ठहरा। अरे अब तो मैं भी फैक्ट्री चला सकने वाला हुआ फिर। नर्वस की नहीं रे, ये तो खुशी की सिगरेट हुई का। अच्छा देख बेटा, मेरा जीवन तो सरकारी कुर्सियां तोड़ते निकल गया। जी तो था उड़ान का पर आकाश ना मिला, नहीं तो हम भी लगा लेते दो पंख। तुझे मिला है आकाश और अफसर दोनों, तो कर ले टेक ऑफ। डरो मत बस, चाहे हमें सड़कों पे रहना पड़ जाएगा। सेंटी कर रहे हैं मुरारी लाल जी। पहला ऐसा बाप हुआ जो बेटे से छुप के सिगरेट पीने वाला हुआ का। डरा के रखा है बल। आपकी कोलेस्ट्रॉल ने हमको डरा रखा बल। ये तो सेलाकुई का सेंटर हुआ बल। हाँ अच्छा है ना। हाँ। देख अभी एक हफ्ते में ये फ्रंट का काम खत्म हो जाएगा, फिर अंदर का काम शुरू करेंगे। अच्छा चला जा। बस इतनी सी हुई तेरी फैक्ट्री बल? हाँ मैं तो टाटा बिरले की औलाद ठहरा ना। आजा ये देख रही। हाँ। ये ठहरा हमारा पैसेज और फिर ये सिलाखी के बीचम बीच खड़ी करने वाला ठहरा मैं अपनी यूनिट। अच्छा है ना? सही है। और ये जगह है ना, यहाँ पे छपाई की मशीन आने वाली ठहरी जापान से। जापानी बल? हाँ। तो क्या छापने वाला हुआ? देख वैसे तो दवाई के डब्बे छपने वाले हुए, लेकिन अगर तू गए तो तेरे पोस्टर छपा के लगवा दूं पूरी न्यू टहरी में। वांटेड नॉटी ड्यूटी। देख वो तो मैं हूं। हाँ। पर किसी और को पसंद आ गई ना तो जल के मर जाओगे तुम दोनों जल कुकड़े। जेलस बॉयज। अरे कोई ना, दो चार जलन की दवा के डब्बे भी छप जाएंगे। बल यार ये एसके कहां मर गया? जिंदगी में कहीं पे टाइम पे आने वाला हुआ। इतना बड़ी कुच्ची, इनसे मिलिए गिरधर पुनियाल सामने देख बे। उम्र 6 बरस का 4 फुट 1 इंच पिछले साल से इस साल तक आए। और ये धीरज जोश यहाँ, उम्र 8 बरस लगते नहीं है पर हैं, और हाइट 3 फुट 3 इंच, 1 सेंटीमीटर भी ना बढ़ा तू कमीने। सामने देख। और आप कौन? इनके बब्बा? आपके अशुभ चिंतक एसके, नाम तो सुना ही होगा। पिछले 1 साल से फ्री के बिस्किट खिला रहा है इनको फॉर रिसर्च पर्पसेस। अभी भी चले जा रहा है सबके सब, सो क्यूट। बस करो बे, जितना भी ठोसोगे वहीं के वहीं रहोगे सब हिप्पोपोटामस। हाँ भाई पंदर प्रसाद जी दीजिए अपना डिस्क्लेमर। हर बच्चे का विकास अलग तरीके से होता ठहरा। अच्छा हमने ये तो नहीं कहा कि कद बढ़ेगा ही निश्चित तौर से। अच्छा अरे एडवर्टाइजमेंट ठहले। अब बच्चे की फोटो लगाई, कोई कम कपड़े वाली मॉडल तो नहीं दिखाई, मुंह खोल के बिस्किट खा रही जो। अरे मुंह तो मेरा खुल सकने वाला ठहरा कंज्यूमर कोर्ट में। न्यूट्रिशनल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट 30%, झूठे प्रोटीन 10%, महाबकवास। ऐसे एक्सपोजर में तो और ही मजा आने वाला ठहरा। ये आटा और चीनी मिला के जो 2% के बिस्किट बनाते हो ना, और फिर वादे बड़े बड़े, अब भरो भुगतान भूतनी। अरे जाओ क्या उखाड़ लोगे, इन 5 छोटे लोगों के चलते मेरी कंपनी बंद नहीं होने वाली। और सुनो बिस्कुट तो हमने भी खिलाया अपने कुछ कस्टमर्स को। इसको बुलाना है बुला लो, हमारे हिप्पो संभाल लेंगे। बुलाओ बेटा देखो।
अरे मूव गाइस मूव, अरे आगे आ जाओ बेटा, कवर करो मुझे। इनका कद देखा, कहो तो कोर्ट तक पहुंचवा दूं। अरे नहीं नहीं, अबे इधर आ। क्या बवाल शुरू हुआ ठहरा यार? प्रभात चिंगारी की हेडलाइन बन रही दाजू, मासूमियत रोई, शक्तिमान बिस्किट के ऑफिस के अंदर चार मुस्टंडों ने बच्चों को मेरे मी से मारा, अरे खून निकाल दिया बच्चों का। बस 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 बस, मर गए। बात कर रहा हूं मैं, कितने का काट के जाओगे? एक सेकंड एक सेकंड। अबे मर गया यार उपरेती, संभाल लियो इनका, मिलते रहेंगे। ब्लैंक चेक दे दो, भर लेंगे हम। नोटी, क्या कर रही तू ये? छोड़, हाथ में चोट लग जाएगी। बल करने देना त्रिपाठी, मुझे लगेगा तेरी फैक्ट्री में मैंने भी कुछ किया ठहरा। अच्छा देख, इसको यहां से त्रिपाठी, उसके हाथों कुछ काम ना कराइयो बल, तो नहीं ठहरा उसके हाथों में, दिखाओ से। हाँ, राहु तो अब आया बल, लेट लतीफ। अरे मैं कहा हुआ लेट, तुम ही जल्दी आ गए दोनों के दोनों। है? है? तूने क्या टाइम दिया उसको? 12:30। इतनी उतनी देरी तो होती ठहरी बल, तू ये बता तू था कहाँ? जॉइनपुर बिस्किट खिला रहा था किसी को। रेखा, तू बड़ा सुधरने वाला हुआ ना, चल तुझे फैक्ट्री दिखाता हूँ। क्या फैक्ट्री है? सुपरहिट फैक्ट्री है। हाँ जल्दी लो जल्दी लो। अरे पूरन, सारे कनेक्शन वगैरह चेक किए ठहरे ना? ए भाव जी, पहला दिन ठहरा आज, मशीनों को भी आराम दो जरा। पहले दिन ही आराम दे दू बाबा। पाठी जी, उद्घाटन का मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी कीजिए। बीना जी, बीना जी, बीना जी बैठिए, संभल के ही जा। संभलना तो तुम्हें चाहिए देवभाव, ईजा की आड़ में ढूंढे नतीजा। बैठे ना बीना जी, खड़ी मत रहो कहा। लेकिन तुम तो इस उम्र में भी खड़े हो ना बल। एसके भैया, मिठाई लीजिए ना। थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, बहुत देर ना हो जाए। अबे यार, चलो पूजा में ध्यान लगाओ। अंकल आंटी को दो बेटा, जाओ। अबे रुक बे, वो देख किम कर्दासियन। नमस्ते मैडम, भूकंप पीड़ित क्षेत्र से आई ठहरी। तेरी जुल्फों को क्या हुआ नोटी, ये इंडिया पाकिस्तान में कैसे बट गई? नेपाल भी ठहरा। सबके सामने छीछा करवाने वाले हुए तुम दोनों भूत। हाँ चली गई बत्ती रेडी होते होते, एक साइड से हुए एक साइड के रह गए बल, अब यही स्टाइल ठहरा। अच्छा एक बात बताइए, सुकेश ने क्या पानी डाला ठहरा ड्रेस पे? हैं? अरे फफूंदी जैसे फूल जो गया है। पत्रपाजी मुबारक हो, फैक्ट्री खुल गई बल। बम में बेबी बॉम लगा दूं, फ्यूज में सारे आज उड़ा दूं, फ्लोर का बादशाह बन के दिखा दूं, मैंने बोल दिया। बात बात पे गोला बारी, एक अकेला सब पे भारी, मेरा वचन न जाए गाली, मैंने बोल दिया। हाथ लगाएगा शौक तू खाएगा, बिजली के वायर पे चिपकेगा मुझसे तो लिक्विड हो जाएगा, लगता तू सॉफ्ट बड़ा। रावत, लड़कों को बोलिएगा चाहे डबल शिफ्ट लगे ट्रिपल शिफ्ट लगे, सबको ओवरटाइम पूरा मिलेगा। हाँ ऑर्डर बड़ा ठहरा, अच्छे से बोलना उनको एक बार। अच्छा सुन लो, इसके बाद देखते हैं। नेगी साहब जी, पिछले महीने से ज्यादा मेहनत करनी होगी, 3 नए ऑर्डर लिए ठहरे। अरे वाह, देखिएगा थोड़ा सा बिल्कुल। और रावत पे चेक रखिएगा, मैंने उसको ओवरटाइम के लिए बोला है। जी सर।
राजू मुझे नीली वाली फाइल दे जा। तो कहा कि पांडे ठहरे प्रशांत जी? अपने धनाल्टी के। अच्छा अच्छा, हम भी वही केवल। अच्छा। तो फिल्टर का काम आपका? श्योर, साफ वाटर फिल्टर कंपनी में काम करता हूँ। पानी रखे साफ, गंदगी ना करे माफ। फिल्टर फिल्टर लगाता हूँ लोगों के घर में। आपके घर में भी फिल्टर लगा ठहरा होगा है? फिल्टर तो ना लगाने वाला हुआ, लेकिन गंगोत्री से आ रहा पानी उबाल छान लेते हैं। अच्छा अच्छा। अम्मा पता नहीं कौन सी वेबसाइट से ढूंढ ले आई बल, अरे फिल्टर वाला हुआ। हम ना ढूंढ सकने वाले ठहरे? ले तेरी अलग रामलीला चल रही, हम क्यों ढूंढते बल? अम्मा अभी 27 की भी पूरी ना हुई, किस बात की जल्दी ठहरी ब्याह की? हाँ I'm so sorry. एक मिनट। जी जी। कोई तो कुछ कर सकने वाला हुआ इस घर में, पर ना 30 में भी आप घर पे बिठा के रखते बल। भला तो ये कि मैं खुद ढूंढ लाई अपने लिए लाटा। सॉरी। अब चाय लाओ ईजा, लड़का आया देखने, इतना तो करो। लड़का लड़की अब अकेले में बात करेंगे बल। हाँ ये गिरा का। अच्छा मैं बाबू, आज की बाजी तो मेरे ही हाथ। अबे ये बाजी तो गई, चलता हूँ बे। अरे भैया रात तक डिलीवरी करा दे। अरे नेकी साहब जी, ये बिजली का 1.5 लाख का बिल कैसे आया ठहरा? 5 KV का स्लैब लगा रखा बस। अरे तो 5 KV चाहिए किसको नेकी साहब? एक तो वैसे ही आधा टाइम जनरेटर चलता रहता है इनकी ड्रिपो के चक्कर में। आप बिजली शिकायत मंच में कम्प्लेन क्यों नहीं डालते? बिजली वाले केसों के लिए अलग टाइप की अदालत ठहरी, फोरम बैठता 3 लोगों का। अच्छा तो फिर ये ठीक है, आप एक काम करिए, आप क्लियर जी डलवाइए लोड शेडिंग की। ठीक है? मेरे हिसाब से 3 KV बहुत होना चाहिए। बहुत है। हाँ ये करवाइए। ठीक है। आप मुझे अपनी कंपनी का टर्नओवर बता रहे थे। कंपनी के टर्नओवर को टर्न कर दीजिए। फिल्टर होकर सारी बात यह है ललिता जी कि मेरा दिल पानी की तरह एकदम साफ है, मैं उसमें गंदगी बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। ये मेरा कार्ड है, आप मुझे कभी भी डेमो के लिए नहीं, मुझे कभी भी मिलने के लिए बुला सकती हैं। ओ सेल्समैन की औलाद, तेरे वाटर फिल्टर ना बिक रहे तो यहाँ पे पहुँच गया खुद को बेचने। बेशरम एसके, बेशरम दफा हो। समझा बे। अरे तू ब्याह कर रही ना तो तेरे को बैंड बजाने वाले भी तो चाहिए ठहरे, तो आ गए हम दोनों। बेस्ट फ्रेंड इधर आ जा फिल्टर कुमार। अबे नॉटी से शादी करने हम दोनों पहले ही कतार में खड़े, तू बीच में कहाँ से पहुँच गया अपनी लालटेन लेके? अच्छा लाटेश्वर बना रही तेरा। चुप कर। इधर देख, नाम सुंदर, बॉडी के लंगूर भी इससे ज्यादा हैंडसम हुए, लेकिन अपनी नॉटी के इशारों पे नाचने वाला ठहरा बल। तू नाचेगा बेटा, नाच के दिखा, स्टेप कर, 1 2 1 2। ये देखिए देखिए, चूना बेच बेच के सकलपन वाली जैसी हो गई। 3 के 5 लगे ग्रेजुएशन में, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त की जोड़ी जमती बल नॉटी के साथ। बड़े भैया ने अपनी फैक्ट्री खोल रखी, सलाह कुई में 10 साल में भी कमा के ना देगी, लेकिन अपनी डियर नॉटी का ख्याल रखने वाला ठहरा बल। आई डोंट नो हाउ। इधर इधर इधर, इतना बड़ा घर ठहरा के आधे हिस्से में धर्मशाला खोल रखी, लालच नहीं कहेंगे दोस्त, धर्म का काम ठहरा, फिर नॉटी के थोड़े से फिरंगी दोस्त भी बन जाएंगे। अरे चतुर में उकी मात्रा, इधर से निकाल के उधर डाल दो तो ये मिलेंगे। लेकिन नॉटी को बड़ा लगाव ठहरा इनसे, आई डोंट नो व्हाई। नॉटी जी हम चलते हैं। क्या बोला बे? क्या बोला? नॉटी जी नॉटी होगी तेरी इजा, हर नेम इज ललिता, कॉल विद रिस्पेक्ट एंड गेट आउट। और अपना वाटर फिल्टर ले जाइए बे, नहीं तो उंडेल देंगे बे तेरी फिल्टर में। चैंपियन चैंपियन यू आर अ चैंपियन। ना ना यू आर अ चैंपियन। अरे भैया यू आर अ चैंपियन, यू आर अ चैंपियन। अरे दोनों चैंपियन 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 चैंपियन। अरे बेस्ट फ्रेंड। एक एक करके ट्राई कर ले बल। कौन सा एक ही दिन पहनने वाली ठहरी तू? मैं एसके और त्रिपाठी की बात थोड़ी ना कर रही थी जो घूर रही। तुम खुद को जितनी स्मार्ट समझने वाली ठहरी ना अम्मा, उतनी हो नहीं। मैं तो वेरी स्मार्ट ठहरी।
रोज 300 नई कंपनियां खुल रही लघु उद्योग में। इस साल के अवार्ड से हम सम्मानित करते हैं यूके प्रिंस के सुंदर मोहन त्रिपाठी जी को। सिर्फ 4 महीनों में इन्होंने अपने कदम जमा लिए। सर ये बिल देखिए। आप सिर्फ अपनी बात कहे जा रहे हैं, मेरी भी तो बात सुनिए। देखिए खंडूरी साहब, इतनी तो मेरी खपत ही नहीं है जो 3 लाख का बिलाया ठहरा। भाई कंपनी के यहाँ से तो बिजली उतनी जा रही है नहीं? सर इसीलिए ये यहाँ लोड सेटिंग में मैंने 5 केवी का 3 केवी करने की अर्जी डाली ठहरी ना। नहीं, वो सब में तो टाइम लगता है भाई, है नहीं? और सर दिन में 12-13 बार ऐसी ट्रिप भी हो जाया करे, वो खर्चा भी मेरा। भैया इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा दोगे तो ट्रिप ना होगा। इसीलिए तो सर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री खोली ठहरी ना मैंने। अरे ऐसा है कि बिल ज्यादा आ रहा है ना आपका। सर ये बस आपके वहां भी एक चेक मीटर लगवा देते हैं। हाँ? सही रीडिंग भी आ जाएगी फिर। चेक मीटर मतलब? अच्छा मीटर की चेकिंग कर लेगा ये मीटर का चौकीदार। हाँ सर, सर ये बहुत बढ़िया है, ये करवा दीजिए सर, ये बेस्ट है। हो जाएगा, हो जाएगा। ये ले भाई। हाँ बोल बे वकील। और भाई लघु उद्योगपति अवार्ड फंक्शन पे दोस्तों को ना बुलाया बल। अबे क्या अवार्ड फंक्शन, इज्जा के कॉन्टैक्ट से मिली पीतल की ट्रॉफी, इतनी भी ना है कि उसे बेच के बिजली का बिल भर पाऊं मैं। अच्छा 10 मिनट में डैम पहुंच ले लाइफ जैकेट लेके। डैम? अब ये क्या नई नौटंकी ठहरी? ये पोटे जुड़वा के क्या करतब करवा रही तू हमसे नोटी? तू ना ए नोटी, क्या जिम्नास्टिक कर रही तू? ये यही तो करा रहे तुम मुझसे। मैंने सोच लिया, एक एक करके बैठ रही तुम्हारी नैया में। अरे कैसी बलगर बातें कर रही नोटी, समझा यार इसको। एक हफ्ता तेरी और एक हफ्ता इसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली हुई, फिर हो जाएगा फैसला। बल मत बल। अबे एक हफ्ता डेटिंग मेरे साथ, फिर एक हफ्ता तेरे साथ, ऐसे ही कुछ बोल रही वाली है? अच्छा लेकिन फैसला तो तेरा ही रहा, हम दोनों तो लाटे के लाटे रहे। और दोनों में से एक को चुन लिया तो दूसरे के फीलिंग का क्या होगा, कभी सोचा है तूने बल? वही तो, पहले से डिसाइड कर लेंगे तो दोस्ती में दरार ना आएगी बल। अच्छा ठीक है तो बता फिर, पहले जय या वीरू? अबे जय या वीरू का फैसला तो ये करने वाला ठहरा बल। हेड्स तू हारा, टेल्स में जीता, ठीक है भाई? मंजूर बात। ओके नॉटी, चलो ये अबे। तेरे हाथ से तो सब फिसलने वाला हुआ इसके। नॉटी, जस्ट फॉर यू। अबे अबे इसके। बेचारा नहीं बर्दाश्त कर पाया, अच्छा आदमी था। जिंदा है साला। लो भाई देख लो कौन जीता। टेल्स चेहरा, एसके जीता। अबे ये तो सिक्का ही दूसरा है, 10 का उछाला था बल। अबे तो खुद आके ढूंढ ले, आई डोंट माइंड। यू आर माइन नॉटी, 1 वीक। डूब मर साले। रिक्शा कल से शुरू करेंगे, आज तो न्यूट्रल वाले हुए बल। देख भाई त्रिपाठी, हम दोनों ठहरे बेस्ट फ्रेंड, पर गेम शुरू हुआ ठहरा। और तू ठहरा कमजोर दिल का, है ना? तो हार्ट ब्रेक ना ले लियो ज्यादा। तूने देखा कैसे देखती है मुझे, है ना? तो अपने हफ्ते में भाभी समझ घुमा लियो, बस ये सब मत किया बल। अच्छा बल, इंटिमिडेशन बेटा। बेबी चल आजा बल, डेटिंग डेटिंग खेलें,
मुझको तो जानो हाय रेटिंग रेटिंग दे दे ए, ए, हाँ बेबी चल आजा बल डेटिंग डेटिंग खेले मुझको तो जानो हाय रेटिंग रेटिंग दे दे बड़ी बड़ी गाड़ियों में टूर पे ले जाऊं घड़ी बड़ी देख तुझे कौन सी दिलाऊं करने दे दूसरों को वेटिंग वेटिंग अब तू और काहे की दो नैया एक मैं ही तेरा सैया यूरोप दिखा के लाऊं तुझे क्या ठहरी चंबा When you getting gold, why go for tamba? When you getting gold, why go for tamba? Latte ko kar de tata karke bahana baby kaliyug hai anti hero ka zamana. When you getting gabbar, why go for samba? Arey. When you getting gabbar, why go for samba? When you getting gold. Why go for tamba? डर मत रानी मुझे कस के पकड़ ले मुझको जकड़ के बाकी सबको अकड़ दे डर मत रानी मुझे कस के पकड़ ले मुझको जकड़ के बाकी सबको अकड़ दे अकड़ बकड़ बाकी पेंसिल में रबड़ ओ बेबी यूज द रबड़ सबको मिटा टा टा दिखे खिड़की से चंदा छत पे तारे लगा दो बरसे शावर से फ्लावर ऐसा बंगला बना दूं अरे काहे के सब ऑफर मैं आशिकों का टॉपर बिजली तू मेरी बेबी मैं तेरा खंबा When you getting Rambo why go for Ranja When you getting Rambo why go for Ranja When you getting gold why go for Tamba When you getting gold Why go for tamba? मतलब फ्रेंड से ज्यादा कुछ हुए हम हुए तो अच्छा ये तो मत लेकिन अभी पता नहीं उसकी भी चांस आने दे अच्छा उसकी भी चांस अबे नॉटी हाय तो आज की डेट कहाँ बल तेरे घर पे बल चले अब हुआ रोमांचक पप्पा
अबे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा, यहीं कर लूं बल। अरे भैया खुले में स्वच्छता अभियान का तो सोचिए। अबे कर तो लूं, फिर सोचूंगा स्वच्छता का बेटा। ओहो वाले कॉन्फिडेंस में लुटिया डूबी ठहरी, ऐसे उम्मीद लगाए बैठा और नोटी ने चुन लिया त्रिपाठी बाबू। लड़कियां फ्रेंड किसी को भी बनाए दद्दा, जीवन साथी गुड बॉय बनते ठहरे। शिवो शिव, मिर्ची लगी एसके को। अब क्या होने वाला हुआ दद्दा? अब दोस्ती में भूचाल आने को हुआ बल, है ना? बढ़िया है ना? एसके बनाना भैया एक एक्स्ट्रा तीखा। और भी काम होते ठहरे, निभाता रहा हूं दुनिया भर की दोस्तियां बल। बढ़िया है। यार नोटी, बता देते इसको, उम्मीद लगी ठहरी होगी ना? अरे अभी तो अपना हफ्ता चल रहा ना, फिर तो बताने वाली हुए। सुकेत सिखा का लहंगा चोली तैयार हुआ। दीदी रात तक। अरियाना या अरियाना इसका नाम है। She is wanting Indian dress. Baby, this is local designer Lalita. Full name, deciding. Hi Lalita. Hi. Can you make some lehenga choli for me? Yeah. बढ़िया बनाई हो, एकदम ज़्यादा लटाका चटाका ना बना दियो। ये taste वाली ठहरी तेरी तरह ना है। और जितने ही पैसे लग जाए ना, महंगा मटेरियल यूज कियो, समझी? महंगा ही लियो, पैसों में ही ठहरा तेरा प्यार। चल ले ले इसका नाप। घूम जा। एक काम कर, तू ही घूम जा, इसे तो मैं ही नापने वाला ठहरा वाल। सुकेश, सुकेश, डिजाइन बुक दिखा मैडम को। अच्छी वाली दिखाना बेटा सुकेश। जी, कम मैडम। या श्योर। कम। एसके, तुझसे कुछ बात करनी थी। ओह नॉडी नॉडी, तुझसे ना कह रहा, इससे कह रहा। तू तो नाम की ठहरी, ये तो काम की ठहरी। पहले ही पता होता ना कि गोरे क्या क्या कर सकते हैं, तो कौन कहता गोरो भारत छोड़ो, है ना? सुकेश, दीदी पंखा चला, दम घुट रहा यहाँ मेरा। एक काम कर सुकेश, मैडम को ना स्कूटी पे ले जा, बड़ी गर्म हो रही, थोड़ी ठंडी हवा लग जाएगी बल। मेक इट गुड, ओके? कम हरियाणा, कम बेबी, लेट्स गो।
देना फाइल। ये क्या है साहब, 54 लाख का बिल आया ठहरा। ओह अरे बैठिए तो बैठिए, पानी तो पीजिए। नहीं थैंक यू। पर ये रीडिंग तो चेक मीटर की आई ठहरी। लेकिन चेक मीटर तो सही रीडिंग के लिए लगाया ठहरा, ये तो और गलत हुई बल। और क्या भाई, हमें अंदेशा हुआ कि आपका मीटर खराब ठहरा तो हमने आपकी मदद की सोची। अब ऐसे में तो 6 महीने का बकाया बिल तो आता ही है, भरना तो पड़ेगा है ना? भरना तो पड़ेगा सर, 54 लाख। मैं कहां से भरने वाला हुआ 54 लाख? ऊपर से जनरेटर का खर्च और उठा रहा मैं। भाई ये बिजनेस खुलूल के पहले कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की थी या यूं ही कूद गए गंगा जी में? अगर तिगुना बिल आ जाए ना सर, तो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल हुई ठहरी। अब आप ही बताइए हम क्या करें, शिकायत मंच तो आप ही ने खोला ठहरा, हल तो आप ही बताने वाले हुए ना। बिजली भोगी है, बिल का भुगतान करो, सिंपल है नहीं? अरे त्रिपाठी साहब पानी पी लीजिए, लीजिए। थैंक यू। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा बल। चल एक बार, चलने में कोई नुकसान है बल? देख उसके तरीके सही ना ठहरे, ऊपर से वो बचता फिर रहा हमसे, किस बात की दोस्ती फिर? अरे लेकिन तेरा बर्थडे भी तो आ रहा, सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाने वाला हुआ। देख मैं क्या कह रहा हूँ, वकील है दोस्त अपना, कुछ ना कुछ हल तो निकालने वाला ठहरा। कोई लॉयर कैंप लगाया मसूरी में बल, वही गया हुआ कहा एक हफ्ते को। चलिए अच्छा है, जाने से पहले बहू छोड़ गया बल, बड़ी रौनक लगी ठहरी। कब तक आने की कह गया अंकल? उसका कोई ठीक है क्या, जब मर्जी हुई आने वाला हुआ, जब मर्जी हुई जाने वाला हुआ। और बताओ कैसी चल रही है फैक्ट्री तुम्हारी? बस उसी उधेड़ बुन में लगा अंकल। बाकी तो ठीक ही है, चलें फिर हम, इसके भी नहीं है, फिर मिलते हैं अंकल। थैंक्स आर्याना, द टी वाज गुड। यू आर वेलकम। वैसे हर चाय परोसने वाली लड़की बहू नहीं होती, Naughty, right? हरे कृष्णा। चले लॉ। फॉर्मूला नंबर 1, लॉ के रास्ते लोगों को निचोड़ने की सोचो, उनकी मदद करने की नहीं। और फॉर्मूला नंबर 2, इस देश में रोज हर नागरिक कोई ना कोई लॉ तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है, लेकिन कानून तो अंधा होता है बेटा। सवाल ही उठता है कि तुम्हारी नजर कितनी तेज ठहरी। बाकी के सारे फॉर्मूले और केस स्टडीज 50% फीस भरने के बाद कल बल। ओके धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, प्लीज गो। वाह पंत बाबू, दिल क्या टूटा आपने तो, नोट छाप लिए। जय श्री कृष्णा, ये लो रजिस्ट्रेशन फीस। ये ठहरा अपना नया धंधा ऑपरेटी एडुकेशन, लेकिन आप फीस के पैसे से साला पूरा का पूरा पहाड़ खरीद लेंगे। अबे अभी तो इसके ने चालू किया है बेटा। क्या बे सॉरी नॉटी, अभी काटते तेरा बर्थडे केक, 3-4 रोटी और खा लूं, लंच टाइम पर ठहरे ना तुम दोनों। हाँ तू खा ले आराम से। चल त्रिपाठी, क्यों ले आया हा? ये अड़ियल है, इसके हजम ना होने वाली ये बात कि हम दोनों कि तुम दोनों अपने अड्डे पर ही शुरू हुए ठहरे बल है? नॉटी सुन, छोड़ सुन, तुझे और कोई बात करनी है अब इससे? 5 मिनट बैठ जा प्लीज मेरे लिए प्लीज। हाय रे रोमांस, ब्याह की डेट फिक्स हो गई या अभी भी हनीमून ही चल रहा बल तुम दोनों का? खैर मुझे क्या, बता भाई किस काम से आया ठहरा, फैक्ट्री बंद पड़ गई क्या?
ना अभी ना, पर तेरी तिकड़म की बांझी पड़ रही, मुझे तो समझ ही ना आ रहा है इसके सब कैसे। मुझे तो पता ही था तेरे बस की ना ठहरी है फैक्ट्री, तुझसे क्या हो सकने वाला हुआ, बचपन से तेरे सारे काम तो मैंने ही किए ठहरे ना, और जिसे चलाकी कहते थे ना तुम दोनों, आज उसी की बांझी पड़ रही तुम दोनों को। तानी मारना बंद कर दे एसके, हमने कुछ गलत नहीं किया ठहरा। देख भाई त्रिपाठी, सीधी बात तो ये ठहरी कि मैंने ना धर्मशाला ना खोल रखी, मेरी फीस तो देना पाएगा और फ्री में तो मैं किस भी ना करूं बल, तो अपने अपनी बाट लगे रहते हैं। बस इतना ही आइडिया दूंगा कि तेरी फैक्ट्री ना उसको ठप कर दे और इंश्योरेंस के पैसे ले ले और कोई इलाज ना ठहरा तेरे पास। अरे मैं तो भूल ही गया, और राकेश केक ला रहे बेटा। सारा गुस्सा केक पे निकाल दे नॉटी, दोस्ती में ऐसा भी हो सकने वाला ठहरा वाल। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear madam, happy birthday to you. तुझे ना ऐसे ही लाटा चाहिए था नॉटी, इसलिए चुना तूने इसको, ये हमेशा बात सुनेगा तेरी, नीचे ही रहेगा तेरे। लेकिन अगर मैं होता ना तेरे साथ तो हाथ ना फैलाने पड़ते तुझे किसी के सामने। तीन औरतों वाले घर की ठहरी तू तो मैंने सोचा। खैर खुश रह तू, मना ले अपना हैप्पी बर्थडे। खंडूरी साहब, आप ऐसे कैसे कनेक्शन काट सकते हैं मेरा? अरे मामला तो अभी डिस्प्यूट में ठहरा ना खंडूरी साहब, मेरा सारा काम रुका हुआ है। आप एक काम हेलो बेचारे त्रिपाठी बाबू की बची खुची जमा पूंजी जनरेटर के धुएं में गुल होती ठहरी, लॉस पे लॉस हो रहे हैं, धंधा चौपट होने को आया बल है। जितने का लोन ना उठाया उससे डबल का तो बिल आया ठहरा। कितने होते होंगे चौवन लाख दादा? इतने बल कि घर बार फैक्ट्री आदमी सब बिक जाए कहा। लो कर लो। सॉरी, ले लीजिए। मैम पहले भी कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं कर सकने वाले हुए ना ये, पता था। अब क्या? मंजू जी। जी। अपने बरामदे से कितना लगाव ठहरा आपका? जितना आपका अपनी रसोई से ठहरा मुरारी लाल जी। क्यों पूछ रहे? आज फैसला होना था फैक्ट्री के बिल को लेके, सुंदर लौटा नहीं अभी तक, कहाँ रह गया बल? बाय। तूने मुझे क्यों चुना नॉटी? ये कैसा सवाल हुआ ठहरा? प्यार हो गया तुझसे लाटे? और वैसे भी तेरे साथ हूं तो डिब्बा लेके फैक्ट्री आने वाली हुई, उसके साथ होती तो जेल जाना पड़ता डिब्बा लिए। मजाक जनकर,
ये फैसले एक हफ्ते में ना लिए जाने वाले हुए। देख अब ले लिया, सही या गलत जाने के लिए जिंदगी पड़ी ठहरी। और जिंदगी का क्या भरोसा? देख मेरी बात मान, माफ कर दे इसके को, अकेला तो वही हुआ ठहरा। लाटा ही ठहरा, उसकी माफी मांगने से पहले तू माफी बांट रहा। सच्ची गलती कर दी तुझे चुनके बल। सुन, क्या हुआ, कुछ रह गया? सब कुछ बाकी कल, आज प्याज खाया ठहरा तूने? देखो कपड़े सुखाने की जगह तो हो नहीं ठहरी, अब कमरे चाहे दो चार कमी क्यों ना हो। कपड़े तो कहीं भी सूख सकते हैं बल, आपको भी आदत डालनी होगी, इतनी सारी किताबें हैं कहाँ समाने वाली ठहरी। खाना बनाने के बर्तन भी कम करने ठहरे आपको। हाँ। वो पास्ता उबालने की चार चार छन्नियां ना रख सकने वाले हुए अब हम। ठीक है, ये लो, ये तो यहाँ खड़े ठहरे, चुप के बातें सुन रहे का? आप दोनों का हिसाब सुन रहा बल, बेटे की वजह से पुश्तैनी घर बिकने को ठहरा मुरारी लाल जी। ए, बेटे की वजह से नहीं, अरे कुछ बड़ा होने वाला हुआ। हाँ। बल धंधे में ऊंच नीच तो होने वाली हुई बल। अच्छा वो इंश्योरेंस वाले आए थे, बैंक्रप्टसी डिक्लेयर होने पर को पैसे मिलने वाले ठहरे, इतना कि बिजली का बिल आराम से चुक सके। हाँ लेकिन बाबा फैक्ट्री का लोन, जनरेटर का खर्चा, बाट बाट भटक रहा लेकिन कोई शिकायत सुनने को ही ना हुआ। घर तो बिकने को ठहरा ही जा। अरे
तुझसे क्या हो सकने वाला हुआ? बचपन से तेरे सारे काम तो मैंने ही किए ठहरे ना। जहां तिकड़म की बांजी पड़ी वहां तू आई मेरे दगड़। ओहो तेरे दगड़। देख भाई त्रिपाठी, सीधी बात तो ये ठहरी कि मैंने ना धर्मशाला ना खोल रखी। पर तेरी तिकड़म की बांजी पड़ रही, मुझे तो समझ ही ना आ रहा है इसके ये सब कैसे। मुझे तो पता ही था तेरे बस की ना ठहरी है फैक्ट्री। क्या होने वाला ठहरा विकास दद्दा? सुसाइड तो नहीं करने वाले त्रिपाठी बाबू? एक्सीडेंट हुआ बल? शिवाऊ जाने कल्याण भाऊ, वैसे बॉडी ना मिली पुलिस को उनकी। हो गया बल? हाँ जी। चलो चलो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। चलो चलो भैया जल्दी बैठो, चलो पीछे निकलते रहो, अपनी सीट पे निकलते रहो। हाँ चलो चलो। हमेशा टेंशन में रहता था बेचारा त्रिपाठी। अच्छा, मुझे लगता है इसी वजह से लुढ़की होगी बाइक। अरे यहाँ हर दूसरे शख्स का बिल बड़ा ठहरा, इतनी टेंशन भी किस लिए। ये कुर्ता सुंदर गलाया हुआ ठहरा, आखिरी गिफ्ट ठहरी उसकी। सब नीचे पूछ रहे थे आपको अंकल कि इस नौटंकी में मैं शामिल क्यों ना ठहरा। ये सब ढकोसले हुए का हाथ जोड़कर दुख बांटने आए ठहरे सब। कायर के जाने का कैसा दुख। हाँ कायर ही था बेटा मेरा, कायर। शक्ति ना थी उसके कने लड़ने की, शक्ति ना थी। इंश्योरेंस के पैसे से बिल चुक जाएगा, घर बिकने से बच जाएगा, पर बेटा कायर बेटा कहाँ से आने वाला ठहरा, कहाँ से। लो नर्वस हुए ठहरे के सिगरेट जलाए, अब तो मैं भी फैक्ट्री संभाल सकने वाला हुआ। फिर दुख तो हमें बहुत ठहरा बल,
पर बॉडी मिलने की कोई उम्मीद ना है। अस्थियां भी तो गंगा में ही बहनी थी, है नहीं? ये रिपोर्ट बनाई ठहरी, देहांत का समय 4:45 का रहा होगा और एक्सीडेंट का एक्सीडेंट नहीं सुसाइड थी, सुसाइड आत्महत्या, और वजह लिखो SPTL। आपको पता है ना आप क्या कह रही बल? और दूसरी वजह लिखो, एक साधारण नागरिक होना जो रोज एक लड़ाई लड़ रहा बल, उसके कने लड़ने का ना तो धैर्य ठहरा ना समय, आत्महत्या ठहरी, यही लिखो अपनी रिपोर्ट में। आप ये अंदर क्या कह रही तू नोटी? सुंदर आत्महत्या नहीं कर सकता, मैं जानता था उसको, दोस्त ठहरा मेरा। दोस्त? खुद को उसका दोस्त ना केवल, तुझे तो कोई ज्ञान ना ठहरा उसकी हालत का। कितने चक्कर काटे ठहरे उसने बिजली वालों के पता है? 50 लाख का बिल रोज हर दूसरे का ना आता बल, दोस्त मत कह उसको। अरे वो तो बचपन से कमजोर ठहरा, फिर भी तेरा रास्ता ना चुना उसने, और तूने समझी ही कहा उसकी कमजोरी, मदद करने के बजाय हमेशा नीचा ही दिखाया ठहरा उसको। मैंने काटे चक्कर उसके संग बल, मैंने देखा है उसको टूटते हुए, पुश्तैनी घर बिकने की नौबत आई ठहरी, बस लगा दी छलांग गंगा जी में। अब समझा ले खुद को, आत्महत्या की ठहरी उसने, दोस्त जान के उसको अपना। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी बोली बात और मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। दोस्त मत कह उसको, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बचपन से तेरे सारे काम तो मैंने ही किए थे ना, तो जान के इसको अपना। लो बिजली का बिल ही वजह ठहरी बल। अगर ये प्रथा चल जाए तो
तो देश की जनसंख्या की समस्या सुलझ जाए। बल सर, सर सुंदर मोहन त्रिपाठी की खबर पढ़ी आपने? सवेरे से फोन आ रहा, हम ठहरे चाकरी में है? अब बिल भरना था तो भरना था, है नहीं? यार गजब बड़े फ्रेश लाए बल मोतीराम, है नहीं? जी सर। बाकी के प्रोसीजर तो हो जाएंगे, इस पॉइंट पे काम कर सकते हैं, ठीक है? नमस्ते। 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 त्रिपाठी जी, सुसाइड की बात ने तूल पकड़ी ठहरी, और इंश्योरेंस में सुसाइड के केस का भुगतान ना होता बल, इसलिए स्टैंड बाय पर रखी ठहरी आपकी एप्लीकेशन। तो फिर आप यहाँ क्यों आए ठहरे? आप देख लीजिए भगवत जी, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए, और अब हम कुछ ना कह सकने वाले ठहरे। बहुत हो गया छोटा मोटा काम इसके भैया, इस बार कुछ बड़ा करना ठहरा। क्या बात है भैया, आप बड़े सीरियस नजर आ गए। अरे पैजामा उतार के दौड़ाएंगे सब। अब किसका पजामा उतार रहे? मिल गया नया केस, रोजी रोटी चलती रहनी ठहरी बल। नहीं वैसे भी ये कब बदल सकने वाला हुआ? प्रीति चाय मंगा। मैंने सुबुग ही सुनी ठहरी तू ये केस लड़ रहा करके। कितना हाथ मारेगा इस बार? एसपीटीएल वालों को ब्लैकमेल करके 2 करोड़ तो बनाने वाला ठहरा। तुझमें ना कोई जमीर ना हुआ रे, इसलिए मैंने त्रिपाठी को चुना। मिल गया जवाब तुझे? जा कमा ले अपने मरहूम दोस्त के नाम का। पर एक बात ध्यान से सुन ले, मैं लड़ूंगी त्रिपाठी के लिए, फिर चाहे किसी से भी भिड़ना पड़ जाए। बल क्या उपरेती बताया नहीं मैडम को? दफा 108, 498, 323, 504 और 506 में मानसिक प्रताड़ना यानी मेंटल टॉर्चर का केस ठोकूंगा बिजली वालों पे। बताया नहीं कि सुशील कुमार पंत ने चूने का धंधा बंद किया ठहरा और अपने दोस्त त्रिपाठी का केस लिया ठहरा? बताया नहीं? मैं दूसरों की तरह सफेद कपड़े पहन के हाथ जोड़कर तमाशा देखने वाला ना हुआ बल, काले कपड़े पहन के एसपीटीएल की नाक में दम करने वाला ठहरा। और ये भी बता देना उपरेती के राइट टू प्राइवेसी एक मूल अधिकार ठहरा, आगे से खटखटाए बिना मेरे कैबिन में आने की कोई सोचे बिना। बता देना। अंकल वो बिला भर के मत भरना अंकल, हम लड़ने वाले ठहरे। फैक्ट्री का मालिक तो चला गया, अब किसके लिए लड़ोगे? कहा फैक्ट्री का मालिक तो मेरे सामने खड़ा अंकल,
आज से आप मेरे क्लाइंट हुए बल। अरे नट बेटा आजा 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 बैठो, तुम दोनों के लिए मैं दालचीनी वाली चाय बना के लाता हूँ। जी अंकल। रज के रुलाया, रज के हसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया, मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया, जो आंखों से वो जो आंखों से पल भर ना ओझल हुए लापता हो गए, देखते देखते सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए। ओ और जिंदगी का क्या भरोसा? देख मेरी बात मान, माफ कर दे इसके को, अकेला तो वही हुआ ठहरा। मीटर की हमारा है, शाम तक तो आई जाने वाली ठहरी बल। अरे नहीं नहीं वकील साहब, बस दो मिनट और। हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई नहीं। अरे चंदर। यस सर। भाई देख जरा, किसी ने बिजली की लाइन छेड़ी ठहरी क्या? कमाल है साहब, बिजली शिकायत मंच में ही बत्ती गुल ठहरी, अब आप शिकायत करने जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे बल, है ना सर? ये लो जी, आ गया त्रिपाठी जी के मीटर की हमारा। हो गया काम। ओहो काफी भारी है। अरे मैडम आप, इसके लिए धन्यवाद, कोर्ट में काम आने वाली ठहरी। सफाई देते देते गला सूख जाने वाला ठहरा, पानी पी लीजिए खंडूरी साहब। पी लीजिए केस नंबर 2736, मेरे क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी। एक मिनट, इनका केस हम पहले सुन चुके हैं और उस पर फैसला भी दिया गया है, कितनी बार सुनेंगे हम? जी मैडम, मैंने दोबारा अपील की अपने क्लाइंट के लिए, उनका 54 लाख का बिल आया था, क्या वो आना जायज है, खास करके जब मीटर खराब होने पर भी रिप्लेस नहीं किया गया। SPTL के सदस्य इस पर कोई सफाई देना चाहेंगे? मैडम जी ये सब बेफिजूल की बातें हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत ये साफ लिखा है कि अगर मीटर की खराबी है तो बिल कंज्यूमर को ही भरना पड़ता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं और संभलती है नहीं, अगर अगले महीने तक बिल नहीं भरा ना तो घर की बिजली भी जा सकती है
और वारंट भी इशू हो सकता है। बता देना उनके परिवार को पंजी। नेक्स्ट केस। बता दूंगा उनके परिवार वालों को कि बिजली जाने वाली ठहरी हमेशा के लिए, एसपीटीएल जो बंद होने वाला ठहरा इस केस के चलते। अरे मैडम। थैंक यू मैडम। अरे तू हमें धमकी दे रहा है? कस्टमर ने बिल जमा नहीं किया तो हमारे ऊपर ही चढ़ा जा रहा है। देखिए मैडम, अब तक तो बस सोचा था बल, अब चढ़ूंगा पूरा का पूरा। तेरे एक बिल की वजह से जान गई ठहरी मेरे दोस्त की, तो अब हर किसी के गलत बिल का हिसाब भरना पड़ेगा तेरे एसपीटीएल को। 54 लाख का बिल भेजा था ना तूने? तो अब केस जीतू ना जीतू, मीटर बदले ना बदले, 54 दिन में तेरी बिजली कंपनी की बत्ती गोल करा के ठहरूंगा मैं। मिलते हैं हाईकोर्ट में बेटा। मैडम, अबे वहां कहां छुपके वीडियो बना रहा बेटा, इधर आ जा, जा सामने आ बेटा, अच्छे से वीडियो बना, फेसबुक पे डाल, यूट्यूब पे डाल, शेयर कर, क्योंकि कल से वकील एस के बैठेगा कचहरी के बाहर, तो अगर आपका भी मीटर चालू और बत्ती गुल तो आओ मिलकर बचाएं बिगुल। अब शिकायत नहीं, समाधान मंच खुलेगा पूरा। मिल गया ना बेटा, डाल दी, चल बे। के बाद ये वीडियो गोली की तरह निकला है? और आग की तरह फैला ठहरा। दिखा दिखा। तो अगर आपका भी मीटर चालू और बत्ती गुल तो आओ मिलकर बचाएं बिगुल। ऐसे ही चलता रहा तो सारा मोहल्ला इसी कतार में ना लग जाए। बल मोहल्ला? मुझे तो लगता है सारा उत्तराखंड। सारे पेपर लाए ना? हाँ लाए। क्या लगता है बंद हो सकने वाली ठहरी बिजली की कंपनी? कांड तो हो गया। अरे बंद हो गई तो अपने यहाँ कहाँ से आने वाली ठहरी बिजली? वैसे भी आती कितनी बल? नंबर 7 को सलाइन लगा देना। जनता में रोष है, वही सुंदर मोहन त्रिपाठी के वकील एसके पंत के समाधान मंच से लोग बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। क्या सुंदर मोहन त्रिपाठी मामला एसपीटीएल की ईंट से ईंट बजा देगा? उनकी मौत के जिम्मेदार एसपीटीएल को देना होगा जवाब। मैं रतुल गुप्ता, एसएनएस न्यूज से। सर के टाके निकल गए, हाथ की हड्डी का प्लास्टर 4 हफ्ते में उतरेगा। अब बात करने लायक हुए ठहरे तो जरा नाम भी बता दो। रतुल गुप्ता हुआ सर जी। तो रतुल गुप्ता, टेक केयर। क्या कह रहे हैं, बॉडी जिंदा मिल गई? बिल्कुल मिल गई। अरे आत्महत्या में भी फेल ही ठहरे त्रिपाठी जी। जिसका काम उसी को साजे दद्दा, चूना लगाने का काम ट्राई किया ठहरा, छपी हुए बल। टीवी चैनलों में शक्ल छप गई ठहरी, ना मुर्दा हुए ना जिंदा रह सके। अब तो अंधेरे में खो जाने वाले ठहरे, समझे बल। ₹2000 एप्लीकेशन आई ठहरी इसके भैया, कैसे लड़ सकने वाले हुए हम? सारी उम्र इसी में निकल जाएगी, फ्री में लड़ने का और कहा ठहरा आपने? मतलब 10-10 रुपए भी ले लेते तो रोटी चाय का खर्चा निकल आता, बस इतना ही। 54 दिन ज्यादा तो नहीं दे दिए ठहरे मैंने कंपनी बंद कराने को बल?
अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे सुनो, हेलो भाई साहब, नमस्कार सर, सुशील कुमार पंत फ्रॉम न्यू टिहरी। आपको कौन ना जानने वाला ठहरा, वायरल वीडियो स्टार हुए, वकील के नाम पे 2% के ब्लैकमेलर। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। ये एसपीटीएल है, मेरे बाप का घर नहीं। हाय डायलॉग मार रहे हो। तुम्हें पता है हमारी कंपनी के कितने उपभोक्ता ठहरे, टर्नओवर क्या ठहरा? तुम्हें कैसे पता होने वाला ठहरा? वैसे भी बिस्कुट कंपनी आयुर्वेदिक औषधालय कहां और बिजली विभाग कहां? दाम तय किया तुम्हारा 10,00,000। छोटा मुंह बड़ी बात सरकार पर, महंगाई कितनी बढ़ गई है, जीएसटी ऊपर से और लग गया, तो 2% का 4% तो हो ही सकने वाला ठहरा ना। बल खाओ उतना जितना पचे पंत जी, चलिए 20,00,000। दाल रोटी तो हो जाती है, पर कभी कभी ये फॉरेन वाला लॉलीपॉप भी खाने का मन करता है सर, प्लीज। 25,00,000 फाइनल, बात यहीं खत्म करते हैं। आप कितने दयालु हैं सरकार। आपको ऑफिस में बल्ब कितने कभी गिने आपने? बल्ब क्या, बल्ब कौन गिनता बल्ब? कल से गिनना शुरू कर देना पंकज बहुगुना। अम्मा, ये बाबूजी ने भेजा ठहरा, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कहाँ भेजना है बल्ब। खबरों के अनुसार पता चला है कि एसपीटीएल के दफ्तरों में आए 6,00,000 फ्यूज्ड बल्ब, उपभोक्ताओं का ऐसा पहला शांत विद्रोह। शिकायत है, आज मध्य प्रदेश के प्राइवेट बिजली विक्रेता कंपनी एस पावर लिमिटेड के दफ्तर में पहुंचे 2,50,000 फ्यूज बल्ब और राजस्थान के एनसी पावर प्राइवेट लिमिटेड पहुंचे 1,00,000 फ्यूज बल्ब। देश भर में विद्रोह अब बिजली की तरह कौंध रहा है। लंबी लाइन में खड़ा कर दिया बल्ब। फ्री में जो केस दायर कर रहे हैं सब आपका काम ठहरा। कोशिश छोड़ी ना त्रिपाठी बाबू ने, आत्मा को शांति ना मिली बल। भटकते फिर रहे, कभी किसी के सामने पड़े, कभी किसी से छिपते फिरे,
भूत बने ठहरे। सच्चाई का सांप जिसे काट जाए ना दद्दा, जहर मरने के बाद बिना निकलने को हुआ। कान से कद्दू में तीर मार लेंगे त्रिपाठी जी एसके से मिलके। इंश्योरेंस वालों को पता चल गया बल तो ना मुआवजा मिलने वाला ठहरा ना न्याय। बात तो ये भी ठीक ठहरी। कल निशाने पे त्रिपाठी दिखा मुझे। लक्ष्य जो बदला ठहरा तेरा। त्रिपाठी नहीं, जिम्मेदारी दिखी तुझे। बहुत बड़ा पंगा ले लिया नोटी, बहुत बड़ी कंपनी ठहरी यार। मैं ठहरा 2% का ब्लैकमेलर, लॉबी लटक लटक के पास की। अब कुछ भी हो सकने वाला ठहरा कल। और बात सिर्फ त्रिपाठी की ना रही, लाखों की उम्मीद बंदी ठहरी। जितना मुश्किल ठहरा लेकिन जरूरी ठहरा नोटे। ये दिए देख रहा है इसके, इनमें उम्मीद की लौ ठहरी। जीतने से ज्यादा लड़ना जरूरी ठहरा। बिजली के बिल की वजह से सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत का मामला पहुंच गया है नैनीताल की हाईकोर्ट। बिजली कंपनी के खिलाफ उत्तराखंड की अदालत में आने वाला ये ऐसा पहला केस है। देश भर के लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की अपनी अपनी कंपनियों को फ्यूज बल्ब भेजकर, और सबकी नजरें टिकी है हाई कोर्ट पर। अब चले भैया, आइए। सारे लोग के एप्लीकेशन है, सब कुछ हो गया है, अब सही है। ए भाई, ओ था ढंग से चल लो। उसे निशाना चूका और आज पेपर छूट रहे हैं, कहीं केस हाथ से फिसल ना जाए। माफ कीजिए, पहचाना नहीं है आपको? तीरंदाजी प्रतियोगिता देखने आए ठहरी। मुझे जानने की बड़ी जल्दी हो रही है आपको। नहीं, आपका साड़ी का कलर बहुत जच रहा था तो सोचा पूछ लूं कहां से ली ठहरी। अच्छा, साड़ी के बारे में पूछना था, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो इसलिए हमेशा अपने साथ कुछ लेके चलती हूं। जी गुलनार रिजवी, एसपीटीएल की डिफेंस लॉयर। पहले आपको हरा लूं फिर कहीं कॉफी पियेंगे। कॉफी नहीं मैडम, उत्तराखंड में यहाँ चाय मिलती है देसी कड़क। और जहां तक केस की बात ठहरी, मेरा तो पता नहीं, लेकिन जो 4 करोड़ उपभोक्ता मेरे पीछे खड़े हैं ना, वो जीतने नहीं देंगे आप। चल बेटा। स्कोर क्या हुआ? वाईफाई रिपेयर नहीं हुआ अब तक? बिजली तो अभी आई ठहरी साहब,
अरे 72/4 हो गए जनाब। आउट वाटर कार्रवाई शुरू की जाए। कौन है सलामी बल्लेबाज? बत्ती जनाब, बिजली। तेजी से बदलती इस तकनीकी दुनिया में बिजली एक अहम जरूरत हो गई। 10 अक्टूबर 2013 को चेन्नई हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट यानी मूल मानव अधिकार तक घोषित किया। पर इसी बिजली का उत्पादन और वितरण दोनों एक बिजनेस है, व्यापार है। मेरे क्लाइंट लेट मिस्टर सुंदर मोहन त्रिपाठी इसी व्यापार के दांवपेच के शिकार हुए। 10 दिसंबर 2017 को सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत हुई। कारण, सूरज पावर्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ये 54 लाख का बिल जनाब, 54 लाख। SPTL के इस बेबुनियाद बिल की वजह से मेरे क्लाइंट ने आत्महत्या की। तो इंडियन पीनल कोड 1860 सेक्शन 304 और 306 के तहत मैं SPTL पे अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगाता हूँ और उनके वितरण लाइसेंस को रद्द करने की मांग करता हूँ जनाब। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बढ़िया मिलोर्ड, आज हाई कोर्ट में पहली बार लॉयर नहीं एक कहानीकार आया है। सुना है आपने लॉ करने में 7-8 साल लगा दिए, वो भी किसी लोकल लॉ कॉलेज से? 7.5 साल जनाब, जस्ट टू बी एग्जैक्ट। मिलोर्ड, SPTL लगातार ना सिर्फ जन कल्याण के हित में अर्जित है बल्कि देश के विकास में भी कार्यरत है। कोई कारण है जो आज तक बिजली के बिल की वजह से किसी की जान नहीं गई? ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। लेट मिस्टर सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत जरूर हुई लेकिन उसकी वजह SPTL कतई नहीं। IPC सेक्शन 499 के तहत SPTL की ओर से मैं UK प्रिंट एंड पैकेजिंग पर सेक्शन 500 इंडियन पीनल कोड के तहत मानहानि का चार्ज लगाती हूं। तो पंत जी, जरा फैक्ट्स और फिगर्स की भी बात कर लें। जी जरूर, फैक्ट्स तो सब मेरे पास है और आपके होते फिगर की बात मैं कैसे करूं। फैक्ट्स यहां है मिलोर्ड। 1 जून 2017 को UK प्रिंटर सेलाकुए का इलेक्ट्रिसिटी मीटर शुरू हुआ। जून से लेकर दिसंबर तक उपभोक्ता ने एक भी बिल का भुगतान नहीं किया। ये रही बिल्स की कॉपीज और मेरी स्टेटमेंट की कॉपी। स्टेटमेंट की कॉपी में डेट मिसिंग है गुलनार जी, कैन यू बी मोर केयरफुल द नेक्स्ट टाइम? ओहो ओहो, लगता है कॉलेज में गुलनार जी ये क्लास में जाना भूल ही गई। कोई बात नहीं, आज की डेट ही खराब ठहरी, एक और गया। अरे दिनेश कार्तिक बचा है मैडम, लास्ट बॉल पे छक्का मारेगा ही मारेगा पक्का। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पानी और पी लीजिए गुलनार जी। जी थोड़ा पानी और पी लीजिए गुलनार जी। अरे पी लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा, इतना सा, थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी, अरे बहुत अच्छा पानी, जितनी जरूरत थी पी चुकी हूँ, आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। ठीक इसी तरह जनाब, ठीक इसी तरह मेरे क्लाइंट UK प्रिंटर्स ने SPTL से उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी मांगी जितनी की उनको जरूरत थी। 5 kVH से 3 kVH की लोड शेडिंग की एप्लीकेशन भी डाली और जब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया मेरे क्लाइंट ने बिल नहीं भरा। सही तो है, SPTL के सीनियर इंजीनियर OP श्रीवास्तव के पास जब तक वो एप्लीकेशन पहुंची वो हार्ट कंडीशन की वजह से ऑलरेडी 2 महीने की छुट्टी पर जा चुके हैं। हार्ट कंडीशन? अच्छा दिक्कत बताइए। लीव एप्लीकेशन और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई दिखाई। हाँ सही है, देखिए मैडम। और उनकी जगह आने वाले DD तिवारी जी के एडहॉक लेटर अपॉइंटमेंट वाले ये रहे जनाब। अगर हार्ट कंडीशन की वजह से काम रुक जाता तो मैं तो गुलनाथ जी के सामने अपना केस ही प्रेजेंट नहीं कर पाता ना। लॉर्ड रेगुलेटरी कमिश्नर DD तिवारी जी को मेमो इशू किया था पेंडिंग काम को लेकर। वाह वाह वाह, एक जान की कीमत एक मेमो, अच्छा है। और मिलोर्ड, अगर आप लोड शेडिंग की एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से कॉलम अधूरे मिलेंगे जो SM त्रिपाठी जी की ही गलती। इतनी है। बड़ी भी नहीं मैडम कि उनकी जान चली जाए। और जहां तक गलती की बात ठहरी तो ये देखिए, SPTL में अगर कोई भी इंसान, कोई भी उपभोक्ता कोई कंप्लेंट लिखाना चाहे तो ये जरा मैडम हेल्प कीजिए प्लीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेज का फॉर्म भरना पड़ता है। तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ी, इतनी काबिल, इतनी खूबसूरत गुलनार जी अगर एक डेट डालना भूल सकती हैं तो बेचारे त्रिपाठी जी एक छोटा सा पिन कोड डालना तो भूल ही सकने वाले ठहरे, है ना जनाब? और जिस पिन कोड को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है उसी पिन कोड यानी सलाकू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के SPTL इंचार्ज को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा मिलॉर्ड प्लीज।
ऐसा है ना कि सलाको इंडस्ट्रियल एरिया जो ठहरा उसका सब स्टेशन वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा अच्छा, अब मौसम और वातावरण के प्रकोप से पावर ट्रिप तो हुई ठहरी, बाकी तो बिजली पूरी आती है जी। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए ये सलाको इंडस्ट्रियल एरिया जो है अपना, ये कुछ 1999 में बना ठहरा सही? जी बिल्कुल। तो तब उसका पावर रिक्वायरमेंट कितना ठहरा? यही कोई 22 मेगावाट। शाबाश। और पिछले 18 साल में 426 फैक्ट्रियां और नई खुल चुकी हैं सलाकू एरिया में, लेकिन सब स्टेशन अब भी सिर्फ 22 मेगावाट सप्लाई करता है। सादी भाषा में जनाब, लोड बड़ा है, आधार नहीं। विकास और कल्याण, गुलनार जी कहाँ है? दैट्स ऑल जनाब। मिलोर, मेरे अगले विटनेस हैं सलाकू एरिया में शक्तिमान बिस्किट्स के पंडर प्रसाद। कुच्ची मोर कुच्ची, बड़ी रिसर्च की तुमने कुच्ची। कुछ कह रहे हैं पंत जी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मिलोर, ट्रिप्स तो होता है मैडम जी, पर हमें क्या, अब जो एसपीटीएल का जो इंफ्रा क्या है वो? इंफ्रास्ट्रक्चर। वही वही मैडम, वो तो नंबर वन ठहरा, और जब कभी हमारे पास कोई लंबा चौड़ा बिल आया तो हमने तो भरा बल। पर मैडम जी, इस वकील का भरोसा मत कीजिएगा इनकी बातों का, ये वकील अव्वल दर्जे का चालू काया और कपटी ठहरा ही है। अरे ओ, तो, अब ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। आपको जितना सवाल किया जा रहा है उतना जवाब दीजिए। अरे ये आदमी खुद फेक बिस्किट बेचता है मैडम, बच्चों की सेहत के लिए छोटी-छोटी तुच्छी बातों में उछाकर प्रोसिक्यूशन लॉयर मुद्दे से हटकर अदालत का वक्त जाया कर। अरे छोटे से गवाह भी तो आप ही क्या गुलनार जी, और सही कहा आपने, ये केस एक तुच्छी सी प्रिंटिंग प्रेस के एक छोटे से 54 लाख के बिल का है, जिसकी वजह से एक बेमोल सी जान चली गई, तो क्या फर्क पड़ता है ना। चलो ऑल आउट, ये अदालत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है, लास्ट बॉल पे छक्का पड़ेगा। अरे प्रीति जरा पानी देना बेटा। सुंदर मोहन त्रिपाठी मामले ने पकड़ी धार, पहले दिन की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस गरम। अभी अभी प्राप्त खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सादिकपुर गांव के लोगों ने मुरादाबाद विद्युत भवन के बाहर दिया धरना, उनकी मांग है अपने गांव को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ने की। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की बिजली कंपनी रिलायंस के बाहर लोगों ने दिया पावर कट्स के खिलाफ धरना। द स्पार्क इन उत्तराखंड हैज ब्लूम्ड इनटू फायर एज 3 सेशन कोर्ट्स गिव जजमेंट इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर। पूरी जिंदगी बड़े बड़े बिल भरते निकली ठेरी, अब कोई लड़ रहा है उम्मीद जागी बल। चार बार बोल गए कलेक्शन जोड़े गए पर कोई नहीं आया, घर खरीद के भी अंधेरे में ही रखा है ठहरा एसपीटीएल ने। देश भर के इलेक्ट्रिक कंपनीज के बाहर जनता के भेजे फ्यूज बल्ब की भरमार, आम आदमी अब खुल के कह रहा है मुझे शिकायत है। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में वकील एस के पंत की अपने दोस्त सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत को लेकर मेरे ऑपोजिशन का मानना है मिलोर्ड कि उनके क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी ने आत्महत्या की थी। सच तो यह है कि उन्होंने आत्महत्या इंश्योरेंस के क्लेम के लिए की, और यह साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जीवन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डिस्पर्समेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी भागवत उपाध्याय को। भागवत जी, आपको सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत की खबर कब मिली? वो तो 11 दिसंबर को मिल गई ठहरी, और हमने इंश्योरेंस क्लेम के डिस्पर्समेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया ठहरा, पर जब हम चौथे में गए तब पता चला उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें तो सुसाइड की ठहरी। और ये आपको कैसे पता चला? वो उनकी दोस्त या फिर शायद होने वाली मंगेतर ललिता नौटियाल जी से, पुलिस के सामने उनने ऐलान किया था। थैंक यू। तो बात साफ है मिलोर्ड, सुंदर मोहन त्रिपाठी ने सोच समझ कर कदम उठाया ताकि उनकी मौत के बाद इंश्योरेंस के पैसे से उनके सारे कर्जे चुकाए जा सके, लेकिन आत्महत्या वाले खुलासे ने सारी बात पलट दी। वाह, क्या चप्पल है दीजिए मैडम जी, मिंत्रा की सेल से लिए बल। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड। सस्टेन्ड। आपको शॉपिंग का मन कर रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले ले। नहीं जनाब, वो क्या है कि बिल की वजह से जान गई, पर ये बीमा के बारे में बात की जा रही है तो मुझे लगा मैं लगे हाथ थोड़ा चप्पल उप्पल का डिस्कशन कर लूं मैडम। ऑर्डर ऑर्डर, सही है। अरे टीवी पे हजार बार आता है जनाब, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, निवेश करने से पहले कृपया निवेश पत्र ध्यान से पढ़ें।
ऑर्डर। मेरे क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी इतने बेवकूफ भी नहीं थे जनाब कि इतनी सी बात ना जानते। मिलॉर्ड, 14 दिसंबर को त्रिपाठी परिवार के इंश्योरेंस क्लेम डालते ही अगले दिन 15 दिसंबर को पंत जी ने केस दायर किया एसपीटीएल पर, क्योंकि तब तक इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देने से मुकर चुकी थी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सारे फैसले गुलनार मैडम ही सुनाएंगी, तो यहाँ मैं और आप क्या कर रहे हैं? जस्टिन, ये महज एक इत्तफाक था, सुंदर तो नवंबर से ही केस डालना चाहता था। जिसके लिए पंत जी ने उन्हें मना किया। मिलॉर्ड, मेरे अगले विटनेस है सुशील कुमार पंत। आप पंजी को कटघरे में बुलाना चाहती? मिलॉर्ड, उनके दोस्त होने के नाते मेरे लिए इंपॉर्टेंट विटनेस है। ठीक है, अगर इन्हें मंजूर है तो कोर्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। I don't mind जनाब, आइए, चप्पल का बताइए। पंत जी उर्फ एसके। जी गुल्लू जी। ये बुलाते हैं ना आपके दोस्त आपको। नवंबर में जब वो दोनों आपके पास आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? खाना वाना खाया, ठहरा, गप्पे शप्पे मारी और चले गए घर। आप दोस्त होती तो आपको और अच्छे से बताता। कैसी दोस्त? जैसे सुंदर था या जैसे ललिता? आपकी दोस्त मतलब? दोनों में क्या फर्क ठहरा गुलनाथ जी? मिलॉर्ड, एसके ललिता सुंदर के बीच आपसे रिश्तों को लेकर तनाव था, इसीलिए ना एसके ने उनकी मदद की और आखिरी के दो महीनों में कोई कॉल किया। और जब आखिरी बार नवंबर में मसूरी के हिल टॉप रेस्टोरेंट में मिले तो उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, केस से फिर हट रही है गुलनार जी। केस पे तो मैं अब आ रही हूँ मिलॉर्ड, आपसे तनाव था मोटिव सुसाइड का। ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड, मगर इस ऑब्जेक्शन में कोई तार छेड़ा है तो मैं बुलाना चाहूंगी इस तार के दूसरे सिरे यानी ललिता नौटियाल को। सुंदर के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे? जी वो मेरा फ्रेंड ठहरा, बचपन का दोस्त। लेकिन भागवत जी ने तो आपको मंगेतर ठहराया। बल लो, आप तो हमारी बोली बोल रही। बल, भाषा और लोगों की पहचान है नोटी, ये करके बुलाते थे ना एसके सुंदर आपको। ललिता जी, आपने एक हफ्ते में कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको एसके नहीं सुंदर पसंद है? ऑब्जेक्शन जनाब, इसका क्या ताल्लुक है केस से? ओवरऑल, पर्सनल लाइफ एक अहम वजह है सुसाइड के केस के लिए। प्लीज कंटिन्यू। जी, सुंदर लाटा था। लाटा? स्टूपिड गुल्लू, स्टूपिड। दुनियादारी ना आई ठहरी उसे। यानी पंत जी का काइयापन आपको शुरू से पसंद नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने ऐसा कहना चाहा? ऑब्जेक्शन जनाब, गुलनार जी अंतर्यामी हैं, कौन कब क्या कहना चाहता है ये भी जानती हैं। सस्टेन्ड डिफेंस, जल्दी मुद्दे पे आइए। सॉरी मिलॉर्ड, मुद्दा है मोटिव। सुंदर सुशील ललिता बचपन के दोस्त थे, दोस्ती बदली प्यार में और प्यार बदला जलन में, और इसी जलन की वजह से एसके सुंदर और ललिता से कट गए और उन्होंने अपने दोस्त की मदद नहीं की, और अब यहाँ ही अपने पाप धोने में जुटे हैं और फजूल में वजह बता रहे हैं एसपीटीएल को। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बिल्कुल गलत ठहरी है बात। पैसे वाले दोस्त ना ठहरे, हम जान देते थे एक दूसरे पे, हमारी वजह से जान ना ले सकने वाला ठहरा वो। जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दीजिए ललिता जी। मिस्टर पंत, एनी क्वेश्चंस? जी बिल्कुल। और फिर राकेश ने सुनीता को अपनी ओर खींचा, उसकी साड़ी का एक सिरा उलझ गया था गुलाब के कांटों में। और भी है चना, ये कहां से मिली आपको? इससे पहले के दोनों के लब टकराते कमरे का किवाड़ खुला और दोनों ने क्या देखा? सुरिंदर वहां खड़ा था, आंखें गुलाबी लाल। सॉरी जनाब, सॉरी। देखिए मैं वकील हूँ, सुराग खुद मेरे पास चल के आ जाता है। ये देखिए गुलनार जी ने जो कहानी सुनाई है उसकी प्रेरणा, साधु सरिता और सेक्स। ऑर्डर, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे कोर्ट में? आपको जो भी कहना है सामने आके कहिए। सॉरी जनाब, निजी मसला 54 लाख के बिल के ऊपर कभी उठाई नहीं जनाब। और यहाँ बाकी जो भी बातें हो रही है ना, इंश्योरेंस, पर्सनल लाइफ, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। आपके लिए सिर्फ एक केस होगा मैडम, हमारे लिए लड़ाई है उम्मीद की, वजह एसपीटीएल है और ये मैं साबित करके ही रहूंगा। सूरज पावर्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। कंपनी की प्रतिष्ठा खतरे में आते देख कंपनी के ओनर संजय भदौरिया दिल्ली से यहाँ पहुँच चुके हैं। आज तड़के ही 8-10 घंटे का पावर कट सहने के बाद सिलाकी के पास के गांव वालों ने हाईवे नंबर 72 पर चक्का जाम कर। आज हर कोई इस केस से उम्मीद लगाए बैठा है, क्या एक मौत ही हिला सकती है पूरे सिस्टम को? प्राइवेट कंपनी या सरकार, कौन जिम्मेदार? पीछे 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 पी
जनाब, लघु उद्योग व्यापार सब्सिडी तो यूके प्रिंट्स एंड पैकेजिंग के बिल में कभी जोड़ी ही नहीं गई। अब वो अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कि लघु उद्योग या फिर टाटा बिरला है नहीं? जुलाई से सितंबर तक जी मेगलेक्स नाम की दवाई की डिमांड कम हुई तो डिब्बों की पैकेजिंग और छपाई कम ठहरी, लेकिन बिल बढ़ गया था। क्या बल जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कल को कह देंगे छपाई ही नहीं हुई। फिर सीधे सीधे दोषी एसपीडीएल के मालिक हैं, और कौन है? इन्हीं की वजह से जान गई है मेरी बेटी। अब मैं बुलाना चाहूंगा एसपीटीएल के मालिक संजय भदौड़िया का, जिनको अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती वक्त निकालकर हेलीकॉप्टर पकड़कर यहां आना पड़ा। जनाब भदौड़िया साहब, जब बात फॉल्टी मीटर की ही थी तो बस एक मीटर के बदलने से पूरा मसला ही हल हो जाता, फिर एसपीटीएल ने नया मीटर लगाने की जगह चेक मीटर क्यों लगाया? इसलिए कि एसपीटीएल के पास 5 लाख मीटर कम है। जनाब, इतनी बड़ी बिजली कंपनी और मीटर की शॉर्टेज, रेगुलरिटी कमीशन के आदेश अनुसार किसी भी बिजली कंपनी को हमेशा कम से कम 2 लाख मीटर स्टॉक में रखने होते हैं, वो तो दूर की बात, यहां पर तो शॉर्टेज ठहरी। शायद वकील साहब नहीं जानते कि हमारा जो सेक्टर है वो एक लॉस मेकिंग सेक्टर है। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि 2020 तक हमारे लॉसेस 20% से गिरकर 14% हो जाए, और इन लॉसेस की वजह मैं पूरी अदालत को बताना चाहूंगा। गुलनार जी प्लीज। जरोना, बिजली की चोरी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यहीं पर होती है। आपको लाइंस खींची गई नजर आती हैं? पंत साहब के मोहल्ले में अगर आप गौर से देखेंगे तो ठीक ऐसी लाइंस नजर आएंगी। जिन लोगों के लिए 24 घंटे काम करते हैं, अगर वो हमसे ही चोरी करें तो हम कहां जाएं? सो सॉरी। इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये बात अलग है जनाब कि उत्तराखंड में एसपीटीएल के स्टाफ वालों के 800 घरों में इलेक्ट्रिसिटी ये फ्री में देते हैं, गरीब इंसान के घर में कनेक्शन भी नहीं और स्टाफ को फ्री फंड में। वो छोड़िए, एक बात बताइए कि बेचारे एसपीटीएल के पास औसतन जो 2500 कंप्लेंट रोज आती हैं, उनमें से आप तक कितनी पहुंचती हैं? हमारे पास ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया शिकायत मंच है, रेगुलेटरी कमीशन है, और सबसे ज्यादा हमारे होनहार काबिल एम्प्लॉय हैं। आपकी कंपनी के ऐसे ही होनहार काबिल एम्प्लॉय ने इस केस को कैसे हैंडल किया, अब हम आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि एक वीडियो तो हमारा भी बनता है ना सर। ध्यान से देखिएगा गुलनार जी, आप ही के लिए है उपरेती। दाम तय किया तुम्हारा 10 लाख। छोटा मुंह बड़ी बात, सरकार पर महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से GST और लग गया, तो 2% से 4% तो हो ही सकने वाला ठहरा ना भाई। हाँ उतना जितना पचे पंत जी, चलिए 20 लाख। दाल रोटी तो हो जाती है, पर कभी कभी ये फॉरेन वाला लॉलीपॉप भी खाने का मन करता है सर, प्लीज। 25 लाख फाइनल, बात यहीं खत्म करते हैं। एक 2% के वकील को खरीदने की जगह अगर आपकी कंपनी ने 2 लाख मीटर खरीद लिए होते तो आपको दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे पिछले महीने सुना आपके पिताजी का निधन हो गया है, बहुत बुरा लगा सुन के। आपको कैसे मालूम? क्या बात कर रहे हैं सर, दैनिक जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान और जितने भी बड़े पेपर्स हैं सब में ऑब्चुरी पड़ी ठहरी, लेकिन वो प्रभात चिंगारी में ऐड नहीं दिया आपने, क्यों? क्योंकि ये मेरा निजी मामला है और वैसे भी वो पेपर कोई नहीं पढ़ता। शाबाश, प्रभात चिंगारी कोई नहीं पढ़ता, लेकिन एसपीटीएल को टैरिफ के लिए जब ऐड डालना होता है तो प्रभात चिंगारी में ही डालते हैं जनाब। एक आखिरी सवाल, वो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है वो वहां क्यों है? हमारी कंपनी के मीटर सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे DR, वेन्यू,
और कभी कभी कंज्यूमर के मीटर्स को, वो लाइट कंज्यूमर को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए ही लगाई गई है जनाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक नो प्रूफ। एक छोटी सी लाइट से कोई क्या कमा लेगा? अंडरस्टैंड। इस बात का जवाब भी भदौड़िया साहब ही देंगे। तो उस छोटी सी लाइट का पर डे कंज्यूमर को कितना खर्चा पड़ता होगा भदौड़िया साहब? यही कोई 4.5-5 पैसा। 5 पैसा एक दिन का? 4 करोड़ उपभोक्ता, तो कितना पैसा हो गया? 0 हम जैसों से बेहतर तो आप ही गिनना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने और साल का कितना कमाया एसपीटीएल ने? 73 करोड़ एक छोटी सी लाइट का, जिसकी किसी को जरूरत है ही नहीं। बढ़िया, कमाल ही ठहरा जनाब। एक लॉस मेकिंग कंपनी 73 करोड़ का मुनाफा कमाती है एक फालतू सी लाइट से, लेकिन फॉल्टी मीटर चेंज करने के लिए उनके पास 1000 रुपए भी नहीं है। फिर उसकी वजह से किसी बेमोल की जान क्यों ना चली जाए? अब ना ही भदौड़िया साहब के पास कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही गुलनार जी के पास कोई नया झूठा सच। ये केस जनाब पानी की तरह साफ है, दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लॉयर एस के पन ग्रिल एसपीटीएल चीफ मिस्टर संजय भदौरिया इन द कोर्ट टुडे एंड रेज सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस। इज ही पोज्ड टू विन? सुंदर मोहन त्रिपाठी मामले में अब आम आदमी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बिजली वितरण से परेशान जनता की नजरें अब है हाईकोर्ट के फैसले पर। आज मैं इस केस में अपनी हार मंजूर करता हूं जनाब। आज तक मैंने इस अदालत में सिर्फ सच पेश किया है और आज भी वही करूंगा। इस केस का सबसे बड़ा सच मेरा आखिरी गवाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये सब एक फ्रॉड था। क्लोजिंग स्टेटमेंट में लॉर्ड, एसपीटीएल ना सिर्फ देश के विकास में कार्यरत है बल्कि बदलते कल और जन कल्याण के हित में भी अर्जित है। एसपीटीएल की मान हानि और कोर्ट का मजाक बनाने के लिए सुंदर मोहन त्रिपाठी को कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा न कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। सुंदर मोहन त्रिपाठी जी, आपको कुछ कहना है? इनकी सारी बातें सच हैं जनाब, सिवाय एक के।
मैं फ्रॉड ना ठहरा, गाड़ी के साथ मैं भी कूदा ठहरा। लेकिन गंगा मैया ने पाप धोके निर्मल तट पे फेंक दिया। जनाब जब डूब के निकला तो पता चला कि कूदने वाला तो मैं अकेला ही हुआ, लेकिन डूबने वाले तो मेरे जैसे लाखों ठहरे। मैं चाहता तो ये केस जीत के मुआवजा लूट के कहीं भी गुमनामी में जी सकता था, लेकिन फिर कई बार मौका ढूंढने के बाद मैं आज तड़के हिम्मत जुटा के एसके से मिलने गया। तेरे बल कौन से मारने साले तुझे। मुझे लगा तू छू के देख रहा कि सच में जिंदा हूं या मरा हुआ भटका। अब आया वापस तू साले, हमें लगा कि पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी तेरे बिना। सच कहूं कोशिश तो बहुत की बल, पर मरने ही न दिया तेरे प्यार ने। साले चुप कर साले, एक मिल के चलते हैं। तेरी मैथ के एग्जाम में चिटें ना बनाई होती तो कूद जाता गंगा जी में, कहा मुंह पर चलाना मैंने ना सिखाया होता तो कूद जाता गंगा जी में। 2% के गुंडे धमकी देके चले जाते तो गंगा जी में कूद जाता तू। सर एक बार मदद ना की तेरी मैंने, सच में कूद गया गंगा जी में। अबे कायर कहते तेरे बब्बा तुझे। कायर ही ठहरा मैं बल, और मेरे जैसे सब हमारी गिनती ना इसके बेचारों में होती ठहरी रहे। हमें एक लीडर लगता जैसे तू आज लड़ रहा ना, और ये सब साथ हुए अब सबको चाहिए समाधान, वरना पेटी में बिल रखते और बिना पढ़े घर बार लुटा के भी भर आते बल। हम लड़ते नहीं कहा इसलिए नहीं कि हमें लड़ाई से डर लगता, हमें हार से डर लगता है इसके। मैं भी डर गया था यार, पर हम नहीं, अब किसी बात का डर नहीं, इसलिए यहां खड़ा ठहरा मैं तेरे सामने। तुझे किसी ने आते हुए देखा तो नहीं कहा? कोई मिला रास्ते में कहा? तू चुपचाप इस कमरे में सो जा, है आज के इसका फैसला हो जाए फिर सोचेंगे क्या करना है। तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं। सुशील कुमार पंत, मेरी मौत से तेरे कर्म सही दिशा पे निकल पड़े, और अब जब मैं जिंदा हुआ तो
तो तू पुराना रास्ता चुनने वाला हुआ। इस देश का एक आम नागरिक ठहरा जनाब, जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक बिल को लेकर दौड़ धूप ना कर पाया। आजकल तो सब इंटरनेट से बिल भरने वाले ठहरे। जनाब मैं वो हूं जो क्रांति से ज्यादा शांति में मानने वाला ठहरा। कोर्ट कचहरी के नाम से डर जाने वाला, आसान रास्ता ढूंढने वाला, सरकार जो कहे जैसे कहे वो करने वाला। लेकिन आज ये केस हारने का दुख नहीं है, बल कुछ बदलने की खुशी हुई ठहरी। आपने देखा जब मेरे दोस्त ने केस लिया तो देश भर में क्या हुआ। और जनाब ये सच है कि 54 लाख के बिल से तंग आकर इंश्योरेंस के पैसों के लिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, ताकि मुआवजे के पैसे मेरे घर वालों को मिल सके। और अब जब यह बात बाहर आई गई है तो मैं चाहता हूं इस देश का हर आदमी इंश्योरेंस ले और आत्महत्या करके बिल भर दे। अब हमारे ऐसे ही दिन आए ठहरे जनाब, बड़े बढ़िया दिन आए ठहरे। सॉरी जनाब, कोशिश पूरी थी लेकिन मैं मर नहीं पाया। अब आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सच सामने है तो हम ये भाषण क्यों सुन रहे हैं? ओवरूल्ड, कोर्ट ने अभी तक फैसला दिया नहीं है। और रघुनाथ जी मुझे अपना काम ना समझाएं। 15 मिनट के रिसेस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। विकास और कल्याण गुलनार जी के दोस्त हैं शायद, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता जनाब। शहरों के अंदर फ्लाईओवर, मेट्रो, सीलिंग बन रहे हैं लेकिन बने नहीं हैं। छोटे शहरों में, गांव में सड़कें बन रही हैं लेकिन बनी नहीं है। रावण जैसे दिखने वाले बड़े बड़े बिजली के खंभे हर जगह तैनात है लेकिन अंधेरा वहीं का वहीं। दिवाली पे शायद हमें इनको जला देना चाहिए जनाब, उसी से कुछ उजाला हो जाए। कहने को तो 96% देश के अंदर बिजली आ चुकी है लेकिन 31 मिलियन घरों में अभी भी एक बल्ब भी नहीं। आज ये फैसला आप अंधेरे में ही सुनाइए जनाब, क्योंकि उजाले की तो हमें आदत ही नहीं है ना। झूठे वादों और ढकोसलों से हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, अंधेरे की आदत जो ठहरी। विकास और कल्याण को मैं नहीं जानता जनाब। गंगोली घाट गांव के बारे में तो सुना होगा आपने, पिछले हफ्ते पूरा का पूरा गाँव ही खाली हो गया जनाब। आज़ादी के 71 साल के बाद भी गंगोली घाट और मोहम्मद सादिकपुर जैसे न जाने कितने ऐसे गाँव हैं जो हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिसिटी के सेंट्रल ग्रिड से जुड़े ही नहीं। मुंबई और दिल्ली के लोग ये सब पढ़ के कहते होंगे कि भाई हम क्या करें, ये तो सरकार का काम। लेकिन अगर वही लोग एक रात के लिए अपने मॉल्स और शोरूम की बत्तियां बंद कर देना जनाब, तो उत्तराखंड के 23 गांव पूरे एक हफ्ते रोशन रह सकते हैं। कमरे से बाहर जाते हुए एक लाइट का स्विच ऑफ कर दे तो लालटेन के नीचे पड़ने वाला पूरी रात बल्ब के नीचे पड़ सकने वाला ठहरा जनाब। आप जीत चुकी हैं गुलनार जी, मैं तो बस अपनी भड़ास निकाल रहा हूं।
आज ये केस खत्म हो जाएगा, कल से आप अपने घर पर बैठी होंगी और एक स्विच पर बिजली बंद करने की सुविधा आपके पास उपलब्ध होगी, लेकिन उत्तराखंड के कड़कते जाड़ों में सलाकुई के गांव के लोगों के पास पानी भी नहीं होगा जनाब। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है पर क्या करें, उत्तराखंड में वातावरण का प्रकोप जो ठहरा, बिजली के तारों को भूमिगत करने की स्कीम बनाई जाती है और पूरी की पूरी स्कीम ही भूमिगत हो जाती है। ड्यूटी डबल हो गई, ग्रीन सेस लग गया, टैरिफ 290 पर केवीएच से बढ़ के 320 केवीएच हो गया, एसपीडीएल के उपभोक्ता आत्महत्या की कगार पर आ गए, लेकिन एसपीडीएल अपनी घाटे में है जनाब। वाह, उत्तराखंड में 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की शक्ति ठहरी, लेकिन हम सिर्फ 18% ही ले पाए हैं, तो कहां है विकास और कल्याण? अंधेरे की आदत डाल लेते हैं जनाब, क्योंकि फ्यूज बल्ब से क्रांति नहीं लाई जा सकती। That's all जनाब। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये अदालत सुंदर मोहन त्रिपाठी को इंश्योरेंस कंपनी के साथ अटेम्प्टेड फ्रॉड और झूठ के इल्जाम में 6 महीने की कैद और जुर्माना 40,000 रुपये अदा करने का हुक्म देती है। उनके 54 लाख के बकाया बिल को रद्द किया जाता है। खराब मीटर, सब्सिडी का अभाव और बेबुनियाद बिल के चलते एसपीटीएल ने जो एसएम त्रिपाठी को मानसिक प्रताड़ना दी है, उसके लिए एसपीटीएल उन्हें 10 लाख का मुआवजा देगी। उपभोक्ताओं के मसलों के शीघ्र निर्णय के लिए 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिठाए जाएंगे। हर परेशान उपभोक्ता को 50,000 रुपए जुर्माना एसपीटीएल द्वारा लौटाया जाएगा। तब तक के लिए SPTL का लाइसेंस रद्द किया जाता है। सुंदर मोहन त्रिपाठी और एसपीटीएल का केस एक मील का पत्थर माना जाएगा। अब बिजली से जुड़ा हर निजी मसला तो अदालत के बस में नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। केस डिसमिस्ड।
बच गए भैया। विकास भाई, कल्याण भाई, सब ठीक? बल ठीक? बल अरे खाई विठारी। चिंता मत कीजिए, विकास और कल्याण सेवा में कार्यरत हैं। ऐसा बजाओ है प्रगति का बाजा, अंधेरी नगरी चौपट है राजा। अरे भैया समोसे से गायब है आलू, गायब है आलू। पत्ती गुल मीटर चालू, पत्ती गुल मीटर चालू। पावर में आने का ही है सारा टंटार, पावर के टावर दिखते पावर है घंटा रे। लगे ऐसा झटका रे, बंद पंखे से लटका रे, मीटर जिसके लग जाए कोई ही बताए। ये बिल में कहाँ डालूं, बिल में कहाँ डालूं। बत्ती गुल मीटर चालू, बत्ती गुल मीटर चालू, बत्ती गुल मीटर चालू, मीटर चालू। से ठहरा आने वाला कल, पत्ती गुल है मीटर चालू, शौक न लग जाए बल। जनरेटर के भरोसे ठहरा आने वाला कल, पत्ती गुल है मीटर चालू, शौक न लग जाए बल 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 बल।